हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है गर्गी तो गर्गी फिल्म का जो हिंदी और तमिल वर्जन है वो कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर मैं डिटेलिंग देने वाला हूँ इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दी जाएगी साथ में फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे फिल्म का एक डीप रिव्यू करेंगे जिसमें हम जो सोशल मैसेज डिलीवर हुआ है फिल्म के

जो 2022 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा हुआ है हरिहरन राजू ने और गौतम रामचंद्रन ने जहाँ पे फिल्म के डायलॉग स्क्रीन प्ले वो सभी चीजें इन दोनों ने ही मिल की हुई है फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ अब डायरेक्शन की बारी आई तो वो की हुई है गौतम रामचंद्रन ने तो इस फिल्म में राइटिंग का कमान हरिहरन राजू और गौतम रामचंद्रन का है वहीं पे डायरेक्शन का कमान है वो गौतम रामचंद्रन ने अकेले संभाला हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रविचंद्रन रामचंद्रन थॉमस जॉर्ज ऐश्वर्या लक्ष्मी और गौतम रामचंद्रन तो इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के लीड रोल में साई पल्लवी देखने को मिलेगी जो टाइटल किरदार प्ले कर रही है इनके अलावा काली वेंकट आर एस शिवाजी कविथ लिया कृष्णन सर्वानंद सुधा एस प्रताप राजलक्ष्मी पी लिविंगस्टन ऐश्वर्या लक्ष्मी कालेस रामानंद जया प्रकाश रेजिन रोज नखिलेश धनम सिवा और प्रंजुन तो इतने फिल्म में कुछ आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जिन्होंने इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी श्रेन जीती प्रेम कृष्ण अकत्तू ने किए हुई है एडिटिंग की हुई है सफिक मोहम्मद अली ने जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत कर रहे तो गोविंद वसन ने इस फिल्म का सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है फिल्म को ब्लैक फूड प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था डिस्ट्रीब्यूटर है टू एंटरटेनमेंट शक्ति फिल्म फैक्ट्री और परमवास स्टूडियो इस फिल्म को अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को थिएटर के साथ ओटीटी में जब रिलीज किया गया तब साथ में हिंदी वर्जन में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को मेनली तमिल वर्जन में बनाया गया था जहाँ पे तमिल वर्जन में इस फिल्म को थिएटर में तमिल के साथ साथ तेलुगु और कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था जहाँ पे कन्नड़ा वर्जन है उसको परमवा स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट किया था तेलुगु वर्जन और हिंद तमिल वर्जन को 2D एंटरटेनमेंट और शक्ति फिल्म फैक्ट्री के तहत डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको ओटीटी पे जब रिलीज किया तब अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के अलग-अलग वर्जन को थिएटर और ओटीटी में प्रीमियर करवाया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 9 मई 2022 को मेकर्स ने ऑफिशियल एक ग्लिम्स अनाउंस किया था इस फिल्म का रिलीज किया था और फिल्म का अनाउंसमेंट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो साउंड ट्रैक का जो कंपोजिशन है वो गोविंद वसन का सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों लिरिक्स और राइटिंग का कमान कार्तिक नेता ने किया हुआ है इसके अलावा एक गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए नीति कनक गथम ने जहाँ पे फिल्म में टोटल चार गाने सुनने को मिलेंगे कनाडा तमिल सभी वर्जन में इस फिल्म के गानों को क्रिएट किया हुआ है पहला गाना है यात्री जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने लिखे हुए थे सिंगर रवि जी थे दूसरा गाना है मासा ने जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने ही लिखे हुए थे सिंगर थे गोविंद वसंत और कृतिका कार्तिक पांड्यन तीसरा गाना तुवी तुवी जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने लिखे हुए थे सिंगर रवि जी थे वहीं पे चौथा गाना चिन्ना मामी जिसके लिरिक्स नितिन कंगरथम ने लिखे हुए थे और सिंगर थे नितिन कंग कनक तो इस तरह से कनक रत्नम तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इन गानों को गाया हुआ था जिसको फिलहाल मैं आप यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहां पे इस फिल्म के जो कास्ट है उसमें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं श्याई पल्लवी ने गर्गी एक स्कूल टीचर का रोल प्ले किया हुआ है काली वेंकट ने इंद्रांस कलेपरम का रोल प्ले किया हुआ है जो जूनियर लॉयर है जो गर्गी को हेल्प करते हैं आर एस शिवाजी ने ब्रह्मानंदम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे कविथल्या कृष्णन ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले किया हुआ है सर्वानंद ने कुंदावा का रोल प्ले किया हुआ है सुधा ए, एस ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ है प्रताप ने इस फिल्म में पेनिक्स जयराज का रोल प्ले किया हुआ है राज पी ने गर्गी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है लिविंगस्टन ने सं्रा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है ऐश्वर्या लक्ष्मी ने आहल्या का रोल प्ले किया हुआ है कालेस रामानंद को पलानी का रोल दिया गया था जयप्रकाश ने बानू प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है रेजिन रोस ने इस फिल्म में सर्वानंद के रिलेटिव का रोल प्ले किया हुआ है नकलीट तनम ने इस फिल्म में सर्वानंद के रिलेटिव का रोल प्ले किया हुआ है बिगिल सिवा ने यंग गर्गी के टीचर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रजुणा सहरा ने इस फिल्म में अक्सरहा का रोल प्ले किया हुआ है तो इसमें ये प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये सभी इंपॉर्टेंट रोल को इन सभी किरदारों को प्ले किया हुआ था कहानी के ऊपर बातचीत करे तो गर्गी जिसका रोल प्ले करे साई पल्लवी जो एक स्कूल टीचर है जहां पे वो अपनी एक शांतिपूर्वक लाइफ जीती आ रही है वहीं पे दूसरी तरफ उनके पिता यानी कि आर एस शिवाजी जो एक सिक्योरिटी गार्ड है जहाँ पे एक लड़की के रेप के चलते उनको एक्यूज एक किया गया है जहाँ पे छोटी बच्ची के ऊपर वो केस आया हुआ है उसी अपार्टमेंट में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो पुलिस अब उन्हें पकड़ लेती है गर्गी पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाती है वो किस तरह से फाइट करेगी किस तरह से जस्टिस लेगी उसकी मदद के लिए वो एडवोकेट गिरी के पास जाती है जिसका रोल प्ले करे काली वेंकट जहाँ पे उनके पास कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है अब वो इस केस को किस तरह से जीतेगी और इन एक्सपीरियंस जो एडवोकेट है वो किस तरह से इस केस को डिफेंड करेगा साथ ही में जो अन यूजल चीज़ें दिखाई गई है उसका सोल्यूशन खोज किस तरह से गर्गी करने वाली वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म की कहानी में आपको कुछ ऐसा अलग देखने को नहीं मिलेगा कहानी जरूर सिंपल है नरेशन लेकिन जिस तरह से किया हुआ है वो फिल्म को बहुत बेहतरीन बनाता है फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से नेरेशन दिखाया हुआ है उनके जो नेरेटिव स्किल है वो काफ़ी दमदार है फिल्म की हर एक फ्रेम को उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वे में हमारे सामने शो करके दिखाया हुआ है जिस तरह से उन्होंने सभी चीज़ों को शो किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया मैनर में दिखाई देती है स्क्रीन पे इस फिल्म में जिस तरह से लेडी साई पल्लवी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी हुई है वो पूरी तरह से आपका दिल जीत लेती है उनकी जो एक्टिंग स्किल है वो आपको पता ही है कितनी अमेजिंग है वो अपनी इन एक्टिंग स्किल की वजह से अपने परफॉर्मेंस को एक अलग लेवल पे ले जाती है उनका वो डिसेंट रोल मिडल क्लास वोमन वाला उन्होंने जिस तरह से उसमें अपना काम दिखाया हुआ है उसमें जो अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है वो अपने किरदार में वो पूरी तरह से जीती हुई नजर आई है गर्गी के रोल में उन्होंने पूरी तरह से उस किरदार को जिया हुआ है जो रोल आपको ज़रूर आसानी

जहाँ पे इन एक्सपीरियंस लॉयर का किरदार उन्होंने जिस तरह से एक्ट किया हुआ है उसमें एक्टिंग जिस तरह से देखने को मिलती है जिस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ केस को जीतना चाहते हैं वो सभी चीज़ें उनकी फेशियल एक्सप्रेशन उनके डायलॉग डिलीवरी उनकी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में झलकती है इसके अलावा इस फिल्म के और भी बड़ी कास्ट है जहाँ पे आर एस शिवाजी सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलते हैं प्रकाश राज ऐश्वर्या लक्ष्मी जहाँ पे उनके जो कैरेक्टर रोल थे उसमें वो काफ़ी बेस्ट नजर आ रहे थे उन्होंने भरपूर तरीके से प्रॉपर वे में इस सभी किरदारों को निभाया हुआ है अच्छी तरह से सपोर्ट किया हुआ है चाइल्ड एक्ट्रेस जिन्होंने गर्गी का रोल प्ले किया हुआ था जहां पे वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए स्क्रीन पे आपको दिखाई देती है लेकिन उसके बावजूद वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्पेक्ट छोड़ने में कामयाब रहती है इस फिल्म के डायलॉग काफ़ी हेवी है काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखे गए एक मीनिंगफुल डायलॉग सुनने को मिलेंगे कोर्ट रिलेटेड जितने भी सीन हैं वहाँ पे जो डायलॉग सुनने को मिलते वो काफ़ी दमदार थे इसके अलावा इस फिल्म की कहानी जैसे मैंने कहा कि सिंपल वे में लिखी हुई है जहाँ पे कुछ कुछ खास आपको ट्विस्ट और टर्न ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे खास करके फिल्म के फर्स्ट हाफ में डायरेक्टर ने फिल्म के सेकंड हाफ़ में काफ़ी काफ़ी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे वो रिपीटेटिव लगने लगती है वहीं पे फर्स्ट हाफ में जिस तरह से हैंडल किया होता अगर सेकंड हाफ उसी वे में आगे बढ़ाते तो वो बेहतर रहता अदरवाइज़ वहाँ पर ऑडियंस थोड़ी बोर हो सकती है इसके अलावा ऐश्वर्या लक्ष्मी जो जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है उसके किरदार को थोड़ा और बेटर वे में लिखा जा सकता था उसका एक अच्छा खासा स्कोप क्रिएट किया जा सकता था स्टोरी में जो इंटेंस तरीके से और बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश हो पाता था ऐश्वर्या ने जिस तरह से उस किरदार में एक्सटेंडेड कैम्यो अपरेंस में अपना काम दिखाया हुआ है जो इस फिल्म के वन ऑफ़ द प्रोड्यूसर भी है जहाँ पे उनका काम तो अच्छा था लेकिन वो रोल बेहतर वे में एक और एक्सटेंडेड तरीके से लिखा जा सकता था इसके अलावा फिल्म में कई ऐसे अननेसेसरी कैरेक्टर्स देखने को मिलते अगर उसको हटा देते मेन स्टोरी के साथ उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो वो शायद थोड़ा और बेहतर हो जाता और गर्गी का जो चाइल्डहुड है जो ट्रॉमा में दिखाया हुआ है उसको थोड़ा और बेहतर वे में सोकेस करके दिखा सकते थे इसके अलावा गौतम रामचंद्रन ने जिस तरह से इस फिल्म को अप्रोच किया हुआ है जिस तरह से वुमन और वो जिस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सोसाइटी में फेस करती है उसके वो दिखाया हुआ है जिस बारीकी डिटेल के साथ सभी चीज़ों को उन्होंने हमारे सामने पेश किया है वो बढ़िया है उनकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी परफेक्ट ऑन दी पॉइंट थी जहाँ पे ऐश्वर्या लक्ष्मी को रिगार्डिंग जो क्लाइमेक्स में चीज़ें दिखाई जाती है वो भी काफ़ी बेहतरीन थी डायरेक्टर ने परफेक्ट वे में सभी चीज़ों को नेरेट किया हुआ है जहाँ पे वो बढ़िया तरीके से ग्रिपिंग मैनर में फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं कहाँ फिल्म की स्टोरी लाइन थोड़ी से सिंपल ज़्यादा थी उसके ऊपर कुछ अननेसेसरी सीन्स थे लेकिन उसको इग्नोर किया जा सकता है इसके अलावा फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार नज़र आती बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है ये एक लीगल ड्रामा फिल्म थी और सिनेमेटोग्राफर ने उस माहौल को अच्छी तरह से कैप्चर किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर उसी तरह से बज रहा था जहाँ पर वो सभी सीन्स को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर रहा था जहाँ पर कुछ इंटेंस सीन है उसको और बेहतर वे में हमारे सामने पेश करने की कोशिश कर रहा था डायरेक्ट टर ने फिल्म में जितने भी इंटेंस सीन्स है उसको काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से दिखाया हुआ है एडिटर ने इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है क्योंकि कुछ अननेसेसरी सीन्स थे वो आसानी से ट्रिम कर सकते थे अदरवाइज बाकी सभी डिपार्टमेंट में फिल्म काफी मजबूत नजर आती है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आ रही थी कुल मिला बात करें तो फिल्म का एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जहाँ पे वो फिल्म को और बेहतर बना देता है ये एक इमोशनल लीगल ड्रामाट फिल्म है जहाँ पे सेक्सुअल एब्यूज के ऊपर पूरी कहानी सेट की गई है और एंड में जिस तरह से एक ट्विस्ट डाला हुआ है वो सभी चीजें फिल्म को और बेहतरीन बनाती है। उसमें एक अच्छा देखने को मिलता है। एंगेजिंग स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है सभी एक्टर्स की अवल दर्जे की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है साय पल्लवी अपने किरदार के साथ पूरी तरह से इस फिल्म को चार चांद लगाती हुई नजर आते हैं उनकी वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फिल्म को और मजबूत बनाती है जहाँ पे जो कुछ आपको सेकंड हाफ में कुछ बेफालतू सीन्स देखने को मिलते कुछ रिपीटेटिव सीन्स देखने को मिलते कुछ कैरेक्टर है जो इग्नोर किए जा सकते थे तो उन सभी चीज़ों के होने के बावजूद इनकी जो परफॉर्मेंसेस थी जो नेरेशन था जो कहानी थी वो इतनी मजबूत थी वो जो सोशल मैसेज है वो इतना मजबूत था जिसके चलते वो नेगेटिव थोड़े एक दो पॉइंट थे वो आप आसानी से भूल सकते हो जहाँ पे इस सीरियस को ड्रामा फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी तो मेरी माने तो इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखेगा फिल्म में जो सोशल मैसेज डिलीवर किया हुआ है फिल्म की जो स्क्रिप्ट है जो स्टोरी आइडिया है जिस तरह से डायरेक्शन देखने को मिलता है स्टार कास्ट की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें फिल्म की हाईलाइट है जो फिल्म को बेहतर बनाती है फिल्म को अच्छी तरह से मेक में काम किया हुआ है फिल्म को बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है तो इस वजह से इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ किया गया था तमिल तेलुगु कनाडा वर्जन में पंद्रह जुलाई दो हजार बाईस को जहां पे थिएटर में फिल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया उसके बाद फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया था जितना बजट था उसके सामने फ़िल्म ने बढ़िया कलेक्शन करके दिया हुआ था जहाँ पे गर्गी फिल्म ने आईएमडीबी पे करीबन 1400 वोट हासिल किए हुए थे जिसमें आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो एक बढ़िया हेवी रेटिंग हासिल करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था धीरे धीरे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये फिल्म एक हिट का टैग ले गई थी जहाँ पर फिल्म ने तमिल वर्जन में खास करके काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी सराहा हुआ था तेलगी तेलुगू और कन्नड़ा वर्जन में भी फिल्म ठीक ठाक चल गई थी लेकिन तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी भरपूर प्यार दिया हुआ था फिल्म का जो सोशल मैसेज था जो परफॉर्मेंसेज थी कहानी डिरेक्शन सभी चीज़ें उनको पसंद आई हुई थी जिसके चलते आई एम डी वी पर करीबन आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई और लोगों को ये फिल्म इतनी पसंद आई जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई उसके बाद फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया गया और इस फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स वो थिएट्रिकल रिलीज के पहले ही बेच दिए गए थे जहाँ पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो कलिंगर टीवी ने खरीदे हुए थे ओटीटी टी टी राइट्स सोनी लिव वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में ये फिल्म आपको सोनी लिव के एप्लीकेशन के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन गर्गी के नाम से तमिल तेलुगु कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ अगर आपको ये फिल्म ओ टी देखनी है तो सोनी लिव के एप्लीकेशन के ऊपर ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पर ये फिल्म आपको गर्गी के नाम से ఇంగ్లీ సబ్ టైటల్ సబ్స్క్రిప్షన్ తమిళ తెలుగు కన్నడ तमिल तेलगु कन्नडा और हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी जहाँ पे तमिल मेन लैंग्वेज है बाकी सभी वर्जन में डब किया हुआ है तो इस फिल्म को आप ज़रूर हिंदी में भी ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे जहाँ पे इस फिल्म के सेटेलाइट राइट से वो कालिंगर टीवी ने खरीदे हुए तमिल वर्जन के लिए तो थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन पाँच छः महीने के बाद इस फिल्म को ज़रूर प्रीमियर करवाया जाएगा कालिंगर टीवी के ऊपर जहाँ ये फिल्म बिल्कुल फ्री में आप इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से गर्गी फिल्म को आप ओ और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो तो मेरी माँ ने अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो देखेगा सोनी लियो के ऊपर अवेलेबल है हिंदी वर्जन फिल्म की डबिंग अच्छी है इस फिल्म को जरूर देखा जा सकता है तो आप इस फिल्म को जरूर देखेगा और फिल्म में जो सोशल मैसेज है उसको आप बारीकी डिटेल के साथ दिखाया हुआ इन सभी चीजों को तो वो सभी चीजें आपको जरूर हिट करेगी गर्गी जो 2022 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा हुआ है हरिहरन राजू ने और गौतम रामचंद्रन ने जहाँ पे फिल्म के डायलॉग स्क्रीन प्ले वो सभी चीजें इन दोनों ने ही मिलके की हुई है फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ अब डायरेक्शन की बारी आई तो वो की हुई है गौतम रामचंद्रन ने तो इस फिल्म में राइटिंग का कमान हरिहरन राजू और गौतम रामचंद्रन का है वहीं पे डायरेक्शन का कमान है वो गौतम रामचंद्रन ने अकेले संभाला हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रविचंद्रन रामचंद्रन थॉमस जॉर्ज ऐश्वर्या लक्ष्मी और गौतम रामचंद्रन तो इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के लीड रोल में साई पल्लवी देखने को मिलेगी जो टाइटल किरदार प्ले कर रही है इनके अलावा काली वेंकट आर एस शिवाजी कविथ कृष्णन सर्वानंद सुधा एस प्रताप राजलक्ष्मी पी लिविंगस्टन ऐश्वर्या लक्ष्मी कालेस रामानंद जया प्रकाश रेजिन रोज नखिलेशन धनम सिवा और प्रंजुन सारा तो इतने फिल्म में कुछ आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जिन्होंने इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी श्रेन जीती प्रेम कृष्ण अकत्तू ने किए हुई है एडिटिंग की हुई है शफिक मोहम्मद अली ने जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत कर रहे तो गोविंद वसन ने इस फिल्म का सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है फिल्म को ब्लैक एंड माई लेफ्ट फूड प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था डिस्ट्रीब्यूटर है टू एंटरटेनमेंट शक्ति फिल्म फैक्ट्री और परमवास स्टूडियो इस फिल्म को अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को थिएटर के साथ ओटीटी में जब रिलीज किया गया तब साथ में हिंदी वर्जन में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को मेनली तमिल वर्जन में बनाया गया था जहाँ पे तमिल वर्जन में इस फिल्म को थियेटर में तमिल के साथ साथ तेलुगु और कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था जहां पे कन्नड़ा वर्जन है उसको परमवास स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट किया था तेलुगु वर्जन और हिंदी तमिल वर्जन को 2D एंटरटेनमेंट और शक्ति फिल्म फैक्ट्री के तहत डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको ओटीटी पे जब रिलीज किया तब अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के अलग-अलग वर्जन को थिएटर और ओटीटी में प्रीमियर करवाया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 9 मई 2022 को मेकर्स ने ऑफिशियल एक ग्लिम्प्स अनाउंस किया था इस फिल्म का ग्लिम्प्स रिलीज किया था और फिल्म का अनाउंसमेंट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो साउंड ट्रैक का जो कंपोजिशन है वो गोविंद वसन का सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों लिरिक्स और राइटिंग का कमांड कार्तिक नेथा ने किया हुआ है इसके अलावा एक गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए नीति कनकधरतम ने जहाँ पे फिल्म में टोटल चार गाने सुनने को मिलेंगे कन्नडा तमिल सभी वर्जन में इस फिल्म के गानों को क्रिएट किया हुआ है पहला गाना है यात्री जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने लिखे हुए थे सिंगर रवि जी थे दूसरा गाना है मासर ने जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने ही ने लिखे हुए थे सिंगर थे गोविंद वसंत और कृतिका कार्तिक पांडियन तीसरा गाना तुवी तुवी जिसके लिरिक्स कार्तिक नेथा ने लिखे हुए थे सिंगर रवि जी थे वहीं पे चौथा गाना चिन्ना मामी है जिसके लिरिक्स नितिन कंगरथम ने लिखे हुए थे और सिंगर थे नितिन कनगरथम तो इस तरह से कनक रत्नम तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इन गानों को गाया हुआ था, जिसको फिलहाल में आप यूट्यूबिशियलीस्ट है उसमें कौन सा रोल प्ले रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं श्याई पल्लवी ने गर्गी एक स्कूल टीचर का रोल प्ले किया हुआ है काली वेंकट ने इंद्रांस कलेपरम का रोल प्ले किया हुआ है जो जूनियर लॉयर है जो गर्गी को हेल्प करते हैं आर एस शिवाजी ने का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे कृष्णन ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले किया हुआ है है ने ने कुंदावा का रोल प्ले किया हुआ है। सुधा ए, एस ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ है प्रताप ने इस फिल्म में पेनिक्स जयराज का रोल प्ले किया हुआ है राज पी ने गर्गी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है लिविंगस्टन ने संद्रा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है ऐश्वर्या लक्ष्मी ने अहल्या का रोल प्ले किया हुआ है कालेस रामानंद को पलानी का रोल दिया गया था जयप्रकाश ने बानू प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है रेजिन रोस ने इस फिल्म में सर्वानंद के रिलेटिव का रोल प्ले किया हुआ है नेकलेट्स तनम ने इस फिल्म में सर्वानंद के रिलेटिव का रोल प्ले किया हुआ है बिगिल सेवा ने यंग गर्गी के टीचर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रजुणा सहरा ने इस फिल्म में अक्सरहा का रोल प्ले किया हुआ है तो इसमें ये प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये सभी इंपॉर्टेंट रोल को इन सभी किरदारों को प्ले किया हुआ था कहानी के ऊपर बातचीत करे तो गर्गी जिसका रोल प्ले करे साई पल्लवी जो एक स्कूल टीचर है जहां पे वो अपनी एक शांतिपूर्वक लाइफ जीती आ रही है वहीं पे ए... दूसरी तरफ उनके पिता यानी कि आर एस शिवाजी जो एक सिक्योरिटी गार्ड है जहाँ पे एक लड़की के रेप के चलते उनको एक्यूज एक किया गया है जहाँ पे छोटी बच्ची के ऊपर वो केस आया हुआ है उसी अपार्टमेंट में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो पुलिस अब उन्हें पकड़ लेती है गर्गी पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाती है वो किस तरह से फाइट करेगी किस तरह से जस्टिस लेगी उसकी मदद के लिए वो एडवोकेट गिरीशान के पास जाती है जिसका रोल प्ले करिए काली वेंकट जहाँ पे उनके पास कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है अब वो इस केस को किस तरह से जीतेगी और इन एक्सपीरियंस जो एडवोकेट है वो किस तरह से इस केस को डिफेंड करेगा साथ ही में जो अन यूजल चीज़ें दिखाई गई है उसका सोल्यूशन खूज किस तरह से गर्गी करने वाली वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म की कहानी में आपको कुछ ऐसा अलग देखने को नहीं मिलेगा कहानी ज़रूर सिंपल है नरेशन लेकिन जिस तरह से किया हुआ है वो फिल्म को बहुत बेहतरीन बनाता है फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से निरेशन दिखाया हुआ है उनके जो नेरेटिव स्किल है वो काफ़ी दमदार है फिल्म की हर एक फ्रेम को उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वे में हमारे सामने शो केस करके दिखाया हुआ है जिस तरह से उन्होंने सभी चीज़ों को शो किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया मैनर में दिखाई देती है स्क्रीन पे इस फिल्म में जिस तरह से लेडी साई पल्लवी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी हुई है वो पूरी तरह से आपका दिल जीत लेती है उनकी जो एक्टिंग स्किल है वो आपको पता ही है कितनी अमेजिंग है वो अपनी इन एक्टिंग स्किल की वजह से अपने परफॉर्मेंस को एक अलग लेवल पे ले जाती है उनका वो डिसेंट रोल मिडिल क्लास वूमन वाला उन्होंने जिस तरह से उसमें अपना काम दिखाया हुआ है उसमें जो अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है वो अपने किरदार में वो पूरी तरह से जीती हुई नजर आई है गर्गी के रोल में उन्होंने पूरी तरह से उस किरदार को जिया हुआ है जो रोल आपको ज़रूर आस से पसंद आ जाएगा फिल्म स्टार्टिंग एंड तक काली वेंकट जिनको एक अच्छा रोल दिया गया था जो एक लॉयर का रोल था जिन्होंने गर्गी को हेल्प किया हुआ है फिल्म की कहानी में तो उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से अपने किरदार के तहत गर्गी को सपोर्ट किया हुआ था फिल्म में उनके जितने भी सीन है खास करके कोर्ट सेशन वाले उसको अच्छी तरह से उन्होंने हैंडल किया हुआ था डायरेक्टर ने उन सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट किया हुआ था जहाँ पे इन एक्सपीरियंस लॉयर का किरदार उन्होंने उन जिस तरह से एक्ट किया हुआ है उसमें एक्टिंग जिस तरह से देखने को मिलती है जिस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ केस को जीतना चाहते हैं वो सभी चीज़ें उनकी फेशियल एक्सप्रेशन उनके डायलॉग डिलीवरी उनकी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में झलकती है इसके अलावा इस फिल्म के और भी बड़ी कास्ट है जहाँ पे आर एस शिवाजी सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलते हैं प्रकाश राज ऐश्वर्या लक्ष्मी जहाँ पे उनके जो कैरेक्टर रोल थे उसमें वो काफ़ी बेस्ट नजर आ रहे थे उन्होंने भरपूर तरीके से प्रॉपर वे में इस सभी किरदारों को निभाया हुआ है अच्छी तरह से सपोर्ट किया हुआ है चाइल्ड एक्ट्रेस जिन्होंने गर्गी का रोल प्ले किया हुआ था जहां पे वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए स्क्रीन पे आपको दिखाई देती है लेकिन उसके बावजूद वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्पेक्ट छोड़ने में कामयाब रहती है इस फिल्म के डायलॉग काफ़ी हेवी है काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखे गए एक मीनिंगफुल डायलॉग सुनने को मिलेंगे कोर्ट रिलेटेड जितने भी सीन हैं वहाँ पर जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो काफ़ी दमदार थे इसके अलावा इस फिल्म की कहानी जैसे मैंने कहा कि प्रिटी सिम्पल वे में लिखी हुई है जहाँ पे उतने कुछ खास आपको ट्विस्ट और टर्न्स ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे खास करके फिल्म के फर्स्ट हाफ में डायरेक्टर ने फिल्म के सेकंड हाफ में काफ़ी काफ़ी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे कि वो रिपीटेटिव लगने लगती है वहीं पे फर्स्ट हाफ में जिस तरह से हैंडल किया होता अगर सेकंड हाफ उसी वे में आगे बढ़ाते तो वो बेहतर रहता अदरवाइज वहाँ पे ऑडियंस थोड़ी बोर हो सकती है इसके अलावा ऐश्वर्या इस लक्ष्य में जो जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है उसके किरदार को थोड़ा और बेटर वे में लिखा जा सकता था उसका एक अच्छा खासा स्कोप क्रिएट किया जा सकता था स्टोरी में जो इंटेंस तरीके से और बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश हो पाता था ऐश्वर्या ने जिस तरह से उस किरदार में एक्सटेंडेड केमियो केमस में

इसके अलावा गौतम रामचंद्रन ने जिस तरह से इस फिल्म को अप्रोच किया हुआ है जिस तरह से वुमन और वो जिस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सोसाइटी में फेस करती है उसको दिखाया हुआ है जिस बारीकी डिटेल के साथ सभी चीज़ों को उन्होंने हमारे सामने पेश किया है वो बढ़िया है उनकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी परफेक्ट ऑन दी पॉइंट थी जहाँ पे ऐश्वर्या लक्ष्मी को रिगार्डिंग जो क्लाइमेक्स में चीज़ें दिखाई जाती है वो भी काफ़ी बेहतरीन थी डायरेक्टर ने परफेक्ट वे में सभी चीज़ों को नेरेट किया हुआ है जहाँ पे वो बढ़िया तरीके से ग्रिपिंग मैनर में फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं हाँ फिल्म की स्टोरी लाइन थोड़ी भी। से सिंपल ज़्यादा थी उसके ऊपर कुछ अननेसेसरी सीन्स थे लेकिन उसको इग्नोर किया जा सकता है इसके अलावा फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार नजर आती है बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है ये एक लीगल ड्रामा फिल्म थी और सिनेमेटोग्राफर ने उस माहौल को अच्छी तरह से कैप्चर किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर उसी तरह से बज रहा था जहाँ पर वो सभी सीन्स को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर रहा था जहाँ पर कुछ इंटेंस सीन है उसको और बेहतर वे में हमारे सामने पेश करने की कोशिश कर रहा था डायरेक्ट ने फिल्म में जितने भी इंटेंस सीन्स है उसको काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से दिखाया हुआ है एडिटर ने इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है क्योंकि कुछ अननेसेसरी सीन्स थे वो आसानी से ट्रिम कर सकते थे अदरवाइज बाकी सभी डिपार्टमेंट में फिल्म काफी मजबूत नजर आती है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आ रही थी कुल मिला बात करें तो फिल्म का एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जहाँ पे वो फिल्म को और बेहतर बना देता है ये इमोशनल लीगल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे सेक्सुअल एब्यूज के ऊपर पूरी कहानी सेट की गई है और एंड में जिस तरह से ट्विस्ट डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतरीन बनाती है उसमें एक अच्छा निरेशन देखने को मिलता है एंगेजिंग स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है सभी एक्टर्स की अवल दज्जे की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है साय पल्लवी अपने किरदार के साथ पूरी तरह से इस फिल्म को चार चांद लगाती हुई नजर आते हैं उनकी वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फिल्म को और मजबूत बनाती है जहाँ पे जो कुछ आपको सेकंड हाफ आप में कुछ बेफालतू सीन्स देखने को मिलते कुछ रिपीटेटिव सीन्स देखने को मिलते कुछ कैरेक्टर है जो इग्नोर किए जा सकते थे तो उन सभी चीज़ों के होने के बावजूद इनकी जो परफॉर्मेंसेस थी जो नेरेशन था जो कहानी थी वो इतनी मजबूत थी वो जो सोशल मैसेज है वो इतना मजबूत था जिसके चलते वो नेगेटिव थोड़े एक दो पॉइंट थे वो आप आसानी से भूल सकते हो जहाँ पे इस सीरियस को ड्रामा फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी तो मेरी माने तो इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखेगा फिल्म में जो सोशल मैसेज डिलीवर किया हुआ है फिल्म की जो स्क्रिप्ट है जो स्टोरी आइडिया है जिस तरह से डायरेक्शन देखने को मिलता है स्टार कास्ट की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें फिल्म की हाईलाइट है जो फिल्म को बेहतर बनाती है फिल्म को अच्छी तरह से मेकिंग में काम किया हुआ है फिल्म को बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है तो इस वजह से इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ किया गया था तमिल तेलुगु कनाडा वर्जन में 15 जुलाई 2022 को जहां पे थिएटर में फिल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया उसके बाद फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया था जितना बजट था उसके सामने फिल्म ने बढ़िया कलेक्शन करके दिया हुआ था जहाँ पे गर्गी फिल्म ने आईएमडीबी पे करीबन 1400 वोट हासिल किए हुए थे जिसमें आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो एक बढ़िया हेवी रेटिंग हासिल करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था धीरे धीरे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म एक हिट का टैग ले गई थी जहाँ पर फिल्म ने तमिल वर्जन में खास करके काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी सराहा हुआ था तेलगी तेलुगू और कन्नड़ा वर्जन में भी फिल्म ठीक ठाक चल गई थी लेकिन तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी भरपूर प्यार दिया हुआ था फिल्म का जो सोशल मैसेज था जो परफॉर्मेंसेज थी कहानी डिरेक्शन सभी चीज़ें उनको पसंद आई हुई थी जिसके चलते आई एम डी वी पर करीबन आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई और लोगों को ये फिल्म इतनी पसंद आई जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई उसके बाद फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया गया और इस फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स वो थिएट्रिकल रिलीज के पहले ही बेच दिए गए थे जहाँ पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो कालिंगर टीवी ने खरीदे हुए थे ओटीटी राइट्स सोनी लिव वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में ये फिल्म आपको सोनी लिव के एप्लीकेशन के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन गर्गी के नाम से तमिल तेलुगू कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ अगर आपको ये फिल्म ओ टी टी देखनी है तो सोनी लिव की अप्लीकेशन के ऊपर ऑफिशियली विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे ये फिल्म आपको गर्गी के नाम से विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नड़ तमिल तेलगु कन्नडा और हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी जहाँ पे तमिल मेन लैंग्वेज है बाकी सभी वर्जन में डब किया हुआ है तो इस फिल्म को आप जरूर हिंदी में भी ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे जहाँ पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो कालिंगर टीवी ने खरीदे हुए तमिल वर्जन के लिए तो थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन पाँच छः महीने के बाद इस फिल्म को ज़रूर प्रीमियर करवाया जाएगा कालिंगर टीवी के ऊपर जहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में आप इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से गर्गी फिल्म को आप ओ और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो तो मेरी माँ है अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखेगा सोनी लियो के ऊपर अवेलेबल है हिंदी वर्जन फिल्म की डबिंग अच्छी है इस फिल्म को जरूर देखा जा सकता है तो आप इस फिल्म को जरूर देखेगा और फिल्म में जो सोशल मैसेज है उसको आप बारीकी डिटेल के साथ दिखाया हुआ इन सभी चीज़ों को तो वो सभी चीज़ें आपको जरूर हिट करेगी गर्गी जो 2022 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा हुआ है हरिहरन राजू ने और गौतम रामचंद्रन ने जहाँ पे फिल्म के डायलॉग स्क्रीन प्ले वो सभी चीजें इन दोनों ने ही मिलके की हुई है फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ अब डायरेक्शन की बारी आई तो वो की हुई है गौतम रामचंद्रन ने तो इस फिल्म में राइटिंग का कमान हरिहरन राजू और गौतम रामचंद्रन का है वहीं पे डायरेक्शन का कमान है वो गौतम रामचंद्रन ने अकेले संभाला हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रविचंद्रन रामचंद्रन थॉमस जॉर्ज ऐश्वर्या लक्ष्मी और गौतम रामचंद्रन तो इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के लीड रोल में साई पल्लवी देखने को मिलेगी जो टाइटल किरदार प्ले कर रही है इनके अलावा काली वेंकट आर एस शिवाजी कविथ कृष्णन सर्वानंद सुधा एस प्रताप राजलक्ष्मी पी लिविंगस्टन ऐश्वर्या लक्ष्मी कालेस रामानंद जया प्रकाश रेजिन रोज नखिलेशन धनम सिवा और प्रंजुन सारा तो इतने फिल्म में कुछ आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जिन्होंने इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी श्रेन जीती प्रेम कृष्ण अकत्तू ने किए हुई है एडिटिंग की हुई है सफिक मोहम्मद अली ने जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत कर रहे तो गोविंद वसन ने इस फिल्म का सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है फिल्म को ब्लैक की जेनी एंड माई लेफ्ट फूड प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था डिस्ट्रीब्यूटर है टू डी एंटरटेनमेंट शक्ति फिल्म फैक्ट्री और परमवास स्टूडियो इस फिल्म को अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को थिएटर के साथ ओटीटी में जब रिलीज किया गया तब साथ में हिंदी वर्जन में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को मेनली तमिल वर्जन में बनाया गया था जहाँ पे तमिल वर्जन में इस फिल्म को और थियेटर में तमिल के साथ साथ तेलुगु और कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था जहां पे कन्नड़ा वर्जन है उसको परमवा स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट किया था तेलुगु वर्जन और हिंदी तमिल वर्जन को 2D एंटरटेनमेंट और शक्ति फिल्म फैक्ट्री के तहत डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको ओटीटी पे जब रिलीज किया तब अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के अलग-अलग वर्जन को थिएटर और ओटीटी में प्रीमियर करवाया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 9 मई 2022 को मेकर्स ने ऑफिशियल एक ग्लिम्स अनाउंस किया था इस फिल्म का ग्लिम्स रिलीज किया था और फिल्म का अनाउंसमेंट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो साउंड ट्रैक का जो कंपोजिशन है वो गोविंद वसन का सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग दोनों लिरिक्स और राइटिंग का कमान कार्तिक नेता ने किया हुआ है इसके अलावा एक गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए नीति कनक गरथम ने जहाँ पे फिल्म में टोटल चार गाने सुनने को मिलेंगे कनाडा तमिल सभी वर्जन में इस फिल्म के गानों को क्रिएट किया हुआ है पहला गाना है यात्री जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने लिखे हुए थे सिंगर रवि जी थे दूसरा गाना है मासरू ने जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने ही लिखे हुए थे सिंगर थे गोविंद वसंत और कृतिका कार्तिक पांड्यन तीसरा गाना तुवी तुवी जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने लिखे हुए थे सिंगर रवि जी थे वहीं पे चौथा गाना चिन्ना मामी जिसके लिरिक्स नितिन कंग ने लिखे हुए थे और सिंगर थे नितिन कंग कनक तो इस तरह से कनक रत्नम तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इन गानों को गाया हुआ था जिसको फिलहाल में आप यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे इस फिल्म के जो कास्ट के उसमें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं श्याई पल्लवी ने गर्गी एक स्कूल टीचर का रोल प्ले किया हुआ है काली वेंकट ने इंद्रांस कलेपरम का रोल प्ले किया हुआ है जो जूनियर लॉयर है जो गर्गी को हेल्प करते हैं आर एस शिवाजी ने ब्रंदम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे कृष्णन ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले किया हुआ है है ने ने का रोल प्ले किया हुआ सुधा एस इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ है प्रताप ने इस फिल्म में पेनिक्स जयराज का रोल प्ले किया हुआ है, है। राजलक्ष्मी पी ने गर्गी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है लिविंगस्टन ने संद्रा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है ऐश्वर्या लक्ष्मी ने अहल्या का रोल प्ले किया हुआ है कालेस रामानंद को पलानी का रोल दिया गया था जयप्रकाश ने बानू प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है रेजिन रोस ने इस फिल्म में सर्वानंद के रिलेटिव का रोल प्ले किया हुआ है नकलीट तनम ने इस फिल्म में सर्वानंद के रिलेटिव का रोल प्ले किया हुआ है बिगिल सेवा ने यंग गर्गी के टीचर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रजुणा सारा ने इस फिल्म में अक्सरहा का रोल प्ले किया हुआ है तो इसमें ये प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये सभी इंपॉर्टेंट रोल को इन सभी किरदारों को प्ले किया हुआ था कहानी के ऊपर बातचीत करे तो गर्गी जिसका रोल प्ले करे है साई पल्लवी जो एक स्कूल टीचर है जहां पे वो अपनी एक शांतिपूर्वक लाइफ जीती आ रही है वहीं पे दूसरी तरफ उनके पिता यानी कि आर एस शिवाजी जो एक सिक्योरिटी गार्ड है जहाँ पे एक लड़की के रेप के चलते उनको एक्यूज एक किया गया है जहाँ पे छोटी बच्ची के ऊपर वो केस आया हुआ है उसी अपार्टमेंट में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो पुलिस अब उन्हें पकड़ लेती है गर्गी पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाती है वो किस तरह से फाइट करेगी किस तरह से जस्टिस लेगी उसकी मदद के लिए वो एडवोकेट गिरीशान के पास जाती है जिसका रोल प्ले करिए काली वेंकट जहाँ पे उनके पास कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है अब वो इस केस को किस तरह से जीतेगी और इन एक्सपीरियंस जो एडवोकेट है वो किस तरह से इस केस को डिफेंड करेगा साथ ही में जो अन यूजल चीज़ें दिखाई गई है उसका सोल्यूशन खूज किस तरह से गर्गी करने वाली वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म की कहानी में आपको कुछ ऐसा अलग देखने को नहीं मिलेगा कहानी ज़रूर सिंपल है नरेशन लेकिन जिस तरह से किया हुआ है वो फिल्म को बहुत बेहतरीन बनाता है फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से नेरेशन दिखाया हुआ है उनके जो नेरेटिव स्किल है वो काफ़ी दमदार है फिल्म की हर एक फ्रेम को उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वे में हमारे सामने शो करके दिखाया हुआ है जिस तरह से उन्होंने सभी चीज़ों को शो किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया मैनर में दिखाई देती है स्क्रीन पर इस फिल्म में जिस तरह से लेडी साई पल्लवी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी हुई है वो पूरी तरह से आपका दिल जीत लेती है उनकी जो एक्टिंग स्किल है वो आपको पता ही है कितनी अमेजिंग है वो अपनी इन एक्टिंग स्किल की वजह से अपने परफॉर्मेंस को एक अलग लेवल पे ले जाती है उनका वो डिसेंट रोल मिडिल क्लास वूमन वाला उन्होंने जिस तरह से उसमें अपना काम दिखाया हुआ है उसमें जो अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है वो अपने किरदार में वो पूरी तरह से जीती हुई नजर आई है गर्गी के रोल में उन्होंने पूरी तरह से उस किरदार को जिया हुआ है जो रोल आपको ज़रूर आसानी

जहाँ पे इन एक्सपीरियंस लॉयर का किरदार उन्होंने जिस तरह से एक्ट किया हुआ है उसमें एक्टिंग जिस तरह से देखने को मिलती है जिस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ केस को जीतना चाहते हैं वो सभी चीज़ें उनकी फेशियल एक्सप्रेशन उनके डायलॉग डिलीवरी उनकी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में झलकती है इसके अलावा इस फिल्म के और भी बड़ी कास्ट है जहाँ पे आर एस शिवाजी सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलते हैं प्रकाश राज ऐश्वर्या लक्ष्मी जहाँ पे उनके जो कैरेक्टर रोल थे उसमें वो काफ़ी बेस्ट नज़र आ रहे थे उन्होंने भरपूर तरीके से प्रॉपर वे में इस सभी किरदारों को निभाया हुआ है अच्छी तरह से सपोर्ट किया हुआ है चाइल्ड एक्ट्रेस जिन्होंने गर्गी का रोल प्ले किया हुआ था जहाँ पे वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए स्क्रीन पे आपको दिखाई देती है लेकिन उसके बावजूद वो काफी बढ़िया तरीके से इम्पेक्ट छोड़ने में कामयाब रहती है इस फिल्म के डायलॉग काफी हेवी है काफी बढ़िया तरीके से लिखे गए एक मीनिंगफुल डायलॉग सुनने को मिलेंगे कोर्ट रिलेटेड जितने भी सीन है वहां पर जो डायलॉग सुनने को मिलते वो काफी दमदार थे इसके अलावा इस फिल्म की कहानी जैसे मैंने कहा कि प्रीटी सिंपल वे में लिखी हुई है जहाँ पे उतने कुछ खास आपको ट्विस्ट और टंस ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे खास करके फिल्म के फर्स्ट हाफ में डायरेक्टर ने फिल्म के सेकंड हाफ़ में काफ़ी काफ़ी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है जहाँ पर वो रिपीटेटिव लगने लगती है वहीं पर फर्स्ट हाफ में जिस तरह से हैंडल किया होता अगर सेकेंड हाफ उसी वे में आगे बढ़ाते तो वो बेहतर रहता अदरवाइज़ वहाँ पर ऑडियंस थोड़ी बोर हो सकती है इसके अलावा ऐश्वर्या लक्ष्मी जो जर्नलिस्ट का रोल किया हुआ है उसके किरदार को थोड़ा और बेटर वे में लिखा जा सकता था उसका एक अच्छा और बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश हो पाता था ऐश्वर्या जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है जहां पे उनका काम तो अच्छा था लेकिन वो रोल बेहतर वे में एक और एक्सटेंडेड तरीके से लिखा जा सकता था इसके अलावा फिल्म में कई ऐसे अननेसेसरी कैरेक्टर्स देखने को मिलते अगर उसको हटा देते मेन स्टोरी के साथ उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो वो शायद थोड़ा और बेहतर हो जाता और गर्गी का जो चाइल्डहुड है जो ट्रॉमा में दिखाया हुआ है उसको थोड़ा और बेहतर वे में सोकेस करके दिखा सकते थे इसके अलावा गौतम रामचंद्रन ने जिस तरह से इस फिल्म को अप्रोच किया हुआ है जिस तरह से वुमन और वो जिस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सोसाइटी में फेस करती है उसके वो दिखाया हुआ है जिस बारीक़ी डिटेल के साथ सभी चीज़ों को उन्होंने हमारे सामने पेश किया है वो बढ़िया है उनकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी परफेक्ट ऑन दी पॉइंट थी जहाँ पे ऐश्वर्या लक्ष्मी को रिगार्डिंग जो क्लाइमेक्स में चीज़ें दिखाई जाती है वो भी काफ़ी बेहतरीन थी डायरेक्टर ने परफेक्ट वे में सभी चीज़ों को नेरेट किया हुआ है जहाँ पे वो बढ़िया तरीके से ग्रिपिंग मैनर में फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं हाँ फिल्म की स्टोरी लाइन थोड़ी से सिंपल ज़्यादा थी उसके ऊपर कुछ अननेसेसरी सीन्स थे लेकिन उसको इग्नोर किया जा सकता है इसके अलावा फ़िल्म में सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार नज़र आती है बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है ये एक लीगल ड्रामा फिल्म थी और सिनेमेटोग्राफर ने उस माहौल को अच्छी तरह से कैप्चर किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर उसी तरह से बज रहा था जहाँ पर वो सभी सीन्स को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर रहा था जहाँ पर कुछ इंटेंस सीन है उसको और बेहतर वे में हमारे सामने पेश करने की कोशिश कर रहा था डायरेक्ट ने फिल्म में जितने भी इंटेंस सीन्स है उसको काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से दिखाया हुआ है एडिटर ने इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है क्योंकि कुछ अननेसेसरी सीन्स थे वो आसानी से ट्रिम कर सकते थे अदरवाइज बाकी सभी डिपार्टमेंट में फिल्म काफी मजबूत नजर आती है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आ रही थी कुल मिला बात करें तो फिल्म का एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जहाँ पे वो फिल्म को और बेहतर बना देता है ये एक इमोशनल लीगल ड्रामाट फिल्म है जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर पूरी कहानी सेट की गई है और एंड में जिस तरह से एक ट्विस्ट डाला बढ़ा हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतरीन बनाती है उसमें एक अच्छा नेरेशन देखने को मिलता है एंगेजिंग स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है सभी एक्टर्स की अवल दर्जे की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है साय पल्लवी अपने किरदार के, के साथ पूरी तरह से इस फिल्म को चार चांद लगाती हुई नजर आते हैं उनकी वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फिल्म को और मजबूत बनाती है जहाँ पे जो कुछ आपको सेकंड हाफ में कुछ बेफालतू सीन्स देखने को मिलते कुछ रिपीटेटिव सीन्स देखने को मिलते कुछ कैरेक्टर है जो इग्नोर किए जा सकते थे तो उन सभी चीज़ों के होने के बावजूद इनकी जो परफॉर्मेंसेस थी जो नेरेशन था जो कहानी थी वो इतनी मजबूत थी वो जो सोशल मैसेज है वो इतना मजबूत था जिसके चलते वो नेगेटिव थोड़े एक दो पॉइंट थे वो आप आसानी से भूल सकते हो जहाँ पे इस सीरियस को ड्रामा फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी तो मेरी माने तो इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखेगा फिल्म में जो सोशल मैसेज डिलीवर किया हुआ है फिल्म की जो स्क्रिप्ट है जो स्टोरी आइडिया है जिस तरह से डायरेक्शन देखने को मिलता है स्टार कास्ट की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें फिल्म की हाईलाइट है जो फिल्म को बेहतर बनाती है फिल्म को अच्छी तरह से मेकिंग में काम किया हुआ है फिल्म को बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है तो इस वजह से इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ किया गया था तमिल तेलुगु कन्नड़ा वर्जन में 15 जुलाई 2022 को जहां पे थिएटर में फिल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया उसके बाद फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया था जितना बजट था उसके सामने फिल्म ने बढ़िया कलेक्शन करके दिया हुआ था जहाँ पर गर्गी फिल्म ने आई पे करीबन चौदह वोट हासिल किए हुए थे जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो एक बढ़िया हेवी रेटिंग हासिल करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था धीरे धीरे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलती है फिल्म एक हिट का टैग ले गई थी जहां पे फिल्म ने तमिल वर्जन में खास करके काफी बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी सराहा हुआ था तेलुगू और कन्नड़ा वर्जन में भी फिल्म ठीक ठाक चल गई थी लेकिन तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी भरपूर प्यार दिया हुआ था फिल्म का जो सोशल मैसेज था जो परफॉर्मेंसीज थी कहानी डिरेक्शन सभी चीजें उनको पसंद आई हुई थी जिसके चलते आई एम डी वी पर करीबन आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई और लोगों को यह फिल्म इतनी पसंद आई जिसके चलते यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई उसके बाद फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया गया और इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स वो थिएट्रिकल रिलीज के पहले ही बेच दिए गए थे जहाँ पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो कलिंगर टीवी ने खरीदे हुए थे ओ टी राइट्स सोनी लिव वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में ये फिल्म आपको सोनी लिव के एप्लीकेशन के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन गर्गी के नाम से तमिल तेलुगु कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ अगर आपको ये फिल्म ओ टी देखनी है तो सोनी लिव के एप्लीकेशन के ऊपर ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पर ये फिल्म आपको गर्गी के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलगू कन्नड तमिल तेलुगू कनाडा और हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी जहाँ पे तमिल मेन लैंग्वेज है बाकी सभी वर्जन में डब किया हुआ है तो इस फिल्म को आप ज़रूर हिंदी में भी ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे गर्गी जो 2022 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा हुआ है हरिहरन राजू ने और गौतम रामचंद्रन ने जहाँ पे फिल्म के डायलॉग स्क्रीन प्ले वो सभी चीजें इन दोनों ने ही मिलके की हुई है फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ अब डायरेक्शन की बारी आई तो वो की हुई है गौतम रामचंद्रन ने तो इस फिल्म में राइटिंग का कमान हरिहरन राजू और गौतम रामचंद्रन का है वहीं पे डायरेक्शन का कमान है वो गौतम रामचंद्रन ने अकेले संभाला हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रविचंद्रन रामचंद्रन थॉमस जोर्ज ऐश्वर्या लक्ष्मी और गौतम रामचंद्रन तो इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के लीड रोल में साई पल्लवी देखने को मिलेगी जो टाइटल किरदार प्ले कर रही है इनके अलावा काली वेंकट आर एस शिवाजी कविथ कृष्णन सर्वानंद सुधा एस प्रताप राजलक्ष्मी पी लिविंगस्टन ऐश्वर्या लक्ष्मी कालेस रामानंद जया प्रकाश रेजिन रोज नखिलेशन धनम सिवा और प्रंजुन सारा तो इतने फिल्म में कुछ आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जिन्होंने इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी श्रेन प्रेम कृष्ण अकत्तू ने किए हुई है एडिटिंग की हुई है सफिक मोहम्मद अली ने जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत कर रहे तो गोविंद वसन ने इस फिल्म का सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है फिल्म को ब्लैक एंड माई लेफ्ट फूड प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था डिस्ट्रीब्यूटर है टू एंटरटेनमेंट शक्ति फिल्म फैक्ट्री और परमवास स्टूडियो इस फिल्म को अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को थिएटर के साथ ओटीटी में जब रिलीज किया गया तब साथ में हिंदी वर्जन में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को मेनली तमिल वर्जन में बनाया गया था जहाँ पे तमिल वर्जन में इस फिल्म को थिएटर थियेटर में तमिल के साथ साथ तेलुगु और कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था जहां पे कन्नड़ा वर्जन है उसको परमवा स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट किया था तेलुगु वर्जन और हिंदी तमिल वर्जन को 2D एंटरटेनमेंट और शक्ति फिल्म फैक्ट्री के तहत डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको ओटीटी पे जब रिलीज किया तब अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के अलग-अलग वर्जन को थिएटर और ओटीटी में प्रीमियर करवाया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 9 मई 2022 को मेकर्स ने ऑफिशियल एक ग्लिम्प्स अनाउंस किया था इस फिल्म का ग्लिम्प्स रिलीज किया था और फिल्म का अनाउंसमेंट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत चीज करें तो साउंड ट्रैक का जो कंपोजिशन है वो गोविंद वसन का सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों लिरिक्स और राइटिंग का कमांड कार्तिक नेथा ने किया हुआ है इसके अलावा एक गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए नीति कनकगरतम ने जहाँ पे फिल्म में टोटल चार गाने सुनने को मिलेंगे कनाडा तमिल सभी वर्जन में इस फिल्म के गानों को क्रिएट किया हुआ है पहला गाना है यात्री जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने लिखे हुए थे सिंगर रवि जी थे दूसरा गाना है मासर ओपौन ने जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने ही लिखे हुए थे सिंगर थे गोविंद वसंत और कृतिका कार्तिक पांड्यन तीसरा गाना तुवी तुवी जिसके लिरिक्स कार्तिक नेथा ने लिखे हुए थे सिंगर रवि जी थे वहीं पे चौथा गाना चिन्ना मामी है जिसके लिरिक्स नितिन कंगरथम ने लिखे हुए थे और सिंगर थे नितिन कनगरथम

आर एस शिवाजी ने ब्रह्मानंदम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे कविथल्या कृष्णन ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले किया हुआ है सर्वानंद ने कुवा का रोल प्ले किया हुआ है सुधा ए एस ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ है प्रताप ने इस फिल्म में पेनिक्स जयराज का रोल प्ले किया हुआ है राजलक्ष्मी पी ने गर्गी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है लिविंगस्टन ने सं्रा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है ऐश्वर्या लक्ष्मी ने अहल्या का रोल प्ले किया हुआ है कालेश रामानंद को पलानी का रोल दिया गया था जयप्रकाश ने बानु प्रकाश का रोल प्ले किया

जहाँ पे वो अपने एक शांतिपूर्वक लाइफ जीती आ रही है वहीं पे दूसरी तरफ उनके पिता यानी कि आर एस शिवाजी जो एक सिक्योरिटी गार्ड है जहाँ पे एक लड़की के रेप के चलते उनको एक्यूज एक किया गया है जहाँ पे छोटी बच्ची के ऊपर वो केस आया हुआ है उसी अपार्टमेंट में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो पुलिस अब उन्हें पकड़ लेती है गर्गी पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाती है वो किस तरह से फाइट करेगी किस तरह से जस्टिस लेगी उसकी मदद के लिए वो एडवोकेट गिरीशान के पास जाती है जिसका रोल प्ले करिए काली वेंकट जहाँ पे उनके पास कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है अब वो इस केस को किस तरह से जीतेगी और इन एक्सपीरियंस जो एडवोकेट है वो किस तरह से इस केस को डिफेंड करेगा साथ ही में जो अन यूजल चीज़ें दिखाई गई है उसका सोल्यूशन खोज किस तरह से गर्गी करने वाली वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म की कहानी में आपको कुछ ऐसा अलग देखने को नहीं मिलेगा कहानी ज़रूर सिंपल है नरेशन लेकिन जिस तरह से किया हुआ है वो फिल्म को बहुत बेहतरीन बनाता है फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से नेरेशन दिखाया हुआ है उनके जो नेरेटिव स्किल है वो काफ़ी दमदार है फिल्म की हर एक फ्रेम को उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वे में हमारे सामने शो करके दिखाया हुआ है जिस तरह से उन्होंने सभी चीज़ों को शो किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया मैनर में दिखाई देती है स्क्रीन पर इस फिल्म में जिस तरह से लेडी साई पल्लवी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी हुई है वो पूरी तरह से आपका दिल जीत लेती है उनकी जो एक्टिंग स्किल है वो आपको पता ही है कितनी अमेजिंग है वो अपनी इन एक्टिंग स्किल की वजह से अपने परफॉर्मेंस को एक अलग लेवल पे ले जाती है उनका वो डिसेंट रोल मिडिल क्लास वूमन वाला उन्होंने जिस तरह से उसमें अपना काम दिखाया हुआ है उसमें जो अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है वो अपने किरदार में वो पूरी तरह से जीती हुई नजर आई है गर्गी के रोल में उन्होंने पूरी तरह से उस किरदार को जिया हुआ है जो रोल आपको ज़रूर आसानी

जहाँ पे इन एक्सपीरियंस लॉयर का किरदार उन्होंने जिस तरह से एक्ट किया हुआ है उसमें एक्टिंग जिस तरह से देखने को मिलती है जिस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ केस को जीतना चाहते हैं वो सभी चीज़ें उनकी फेशियल एक्सप्रेशन उनके डायलॉग डिलीवरी उनकी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में झलकती है इसके अलावा इस फिल्म के और भी बड़ी कास्ट है जहाँ पे आर एस शिवाजी सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलते हैं प्रकाश राज ऐश्वर्या लक्ष्मी जहाँ पे उनके जो कैरेक्टर रोल थे उसमें वो काफ़ी बेस्ट नज़र आ रहे थे उन्होंने भरपूर तरीके से प्रॉपर वे में इस सभी किरदारों को निभाया हुआ है अच्छी तरह से सपोर्ट किया हुआ है चाइल्ड एक्ट्रेस जिन्होंने गर्गी का रोल प्ले किया हुआ था जहाँ पे वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए स्क्रीन पे आपको दिखाई देती है लेकिन उसके बावजूद वो काफी बढ़िया तरीके से इम्पेक्ट छोड़ने में कामयाब रहती है इस फिल्म के डायलॉग काफी हेवी है काफी बढ़िया तरीके से लिखे गए एक मीनिंगफुल डायलॉग सुनने को मिलेंगे कोर्ट रिलेटेड जितने भी सीन है वहां पे जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो काफी दमदार थे इसके अलावा इस फिल्म की कहानी जैसा मैंने कहा कि प्रीटी सिंपल वे में लिखी हुई है जहाँ पे उतने कुछ खास आपको ट्विस्ट और टंस ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे खास करके फिल्म के फर्स्ट हाफ में डायरेक्टर ने फिल्म के सेकंड हाफ़ में काफ़ी काफ़ी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है जहाँ पर वो रिपीटेटिव लगने लगती है वहीं पर फर्स्ट हाफ में जिस तरह से हैंडल किया होता अगर सेकेंड हाफ उसी वे में आगे बढ़ाते तो वो बेहतर रहता अदरवाइज़ वहाँ पर ऑडियंस थोड़ी बोर हो सकती है इसके अलावा ऐश्वर्या लक्ष्मी जो जर्नलिस्ट का रोल किया हुआ है उसके किरदार को थोड़ा और बेटर वे में लिखा जा सकता था उसका एक अच्छा और बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश हो पाता था ऐश्वर्या में में जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है जहां पे उनका काम तो अच्छा था लेकिन वो रोल बेहतर वे में एक और एक्सटेंडेड तरीके से लिखा जा सकता था इसके अलावा फिल्म में कई ऐसे अननेसेसरी कैरेक्टर्स देखने को मिलते अगर उसको हटा देते मेन स्टोरी के साथ उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो वो शायद थोड़ा और बेहतर हो जाता और गर्गी का जो चाइल्डहुड है जो ट्रॉमा में दिखाया हुआ है उसको थोड़ा और बेहतर वे में सोकेस करके दिखा सकते थे इसके अलावा गौतम रामचंद्रन ने जिस तरह से इस फिल्म को अप्रोच किया हुआ है जिस तरह से वूमन और वो जिस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सोसाइटी में फेस करती है उसके वो दिखाया हुआ है जिस बारीक़ी डिटेल के साथ सभी चीज़ों को उन्होंने हमारे सामने पेश किया है वो बढ़िया है उनकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी परफेक्ट ऑन दी पॉइंट थी जहाँ पे ऐश्वर्या लक्ष्मी को रिगार्डिंग जो क्लाइमेक्स में चीज़ें दिखाई जाती है वो भी काफ़ी बेहतरीन थी डायरेक्टर ने परफेक्ट वे में सभी चीज़ों को नेरेट किया हुआ है जहाँ पर वो बढ़िया तरीके से ग्रिपिंग मैनर में फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं हाँ फिल्म की स्टोरी लाइन थोड़ी से सिंपल ज़्यादा थी उसके ऊपर कुछ अननेसेसरी सीन्स थे लेकिन उसको इग्नोर किया जा सकता है इसके अलावा फ़िल्म में सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार नज़र आती है बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है ये एक लीगल ड्रामा फ़िल्म थी और सिनेमेटोग्राफर ने उस माहौल को अच्छी तरह से कैप्चर किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर उसी तरह से बज रहा था जहाँ पर वो सभी सीन्स को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर रहा था जहाँ पर कुछ इंटेंस सीन है उसको और बेहतर वे में हमारे सामने पेश करने की कोशिश कर रहा था डायरेक्ट ने फिल्म में जितने भी इंटेंस सीन्स है उसको काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से दिखाया हुआ है एडिटर ने इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है क्योंकि कुछ अननेसेसरी सीन्स थे वो आसानी से ट्रिम कर सकते थे अदरवाइज बाकी सभी डिपार्टमेंट में फिल्म काफी मजबूत नजर आती है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आ रही थी कुल मिला बात करें तो फिल्म का एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जहाँ पे वो फिल्म को और बेहतर बना देता है ये एक इमोशनल लीगल ड्रामाट फिल्म है जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर पूरी कहानी सेट की गई है और एंड में जिस तरह से एक ट्विस्ट डाला हुआ है वो सभी चीजें फिल्म को और बेहतरीन बनाती है। उसमें एक अच्छा देखने को मिलता है। एंगेजिंग स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है सभी एक्टर्स की अवल दज्जे की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है साय पल्लवी अपने किरदार के साथ पूरी तरह से इस फिल्म को चार चांद लगाती हुई नजर आते है उनकी वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फिल्म को और मजबूत बनाती है जहाँ पे जो कुछ आपको सेकंड हाफ आप में कुछ बेफालतू सीन्स देखने को मिलते कुछ रिपीटेटिव सीन्स देखने को मिलते कुछ कैरेक्टर है जो इग्नोर किए जा सकते थे तो उन सभी चीज़ों के होने के बावजूद इनकी जो परफॉर्मेंसेस थी जो नेरेशन था जो कहानी थी वो इतनी मजबूत थी वो जो सोशल मैसेज है वो इतना मज़बूत था जिसके चलते वो नेगेटिव थोड़े एक दो पॉइंट थे वो आप आसानी से भूल सकते हो जहाँ पे इस सीरियस को ड्रामा फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी तो मेरी माने तो इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखेगा फिल्म में जो सोशल मैसेज डिलीवर किया हुआ है फिल्म की जो स्क्रिप्ट है जो स्टोरी आइडिया है जिस तरह से डायरेक्शन देखने को मिलता है स्टार कास्ट की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें फिल्म की हाईलाइट है जो फिल्म को बेहतर बनाती है फिल्म को अच्छी तरह से मेकिंग में काम किया हुआ है फिल्म को बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है तो इस वजह से इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ किया गया था तमिल तेलुगु को कनाडा वर्जन में 15 जुलाई 2022 को जहां पे थिएटर में फिल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया उसके बाद फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया था जितना बजट था उसके सामने फिल्म ने बढ़िया कलेक्शन करके दिया हुआ था जहाँ पर गर्गी फिल्म ने आई पे करीबन चौदह वोट हासिल किए हुए थे जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो एक बढ़िया हेवी रेटिंग हासिल करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था धीरे धीरे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म एक हिट का टैग ले गई थी जहाँ पे फिल्म ने तमिल वर्जन में खास करके काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी सराहा हुआ था तेलगी तेलुगू और कन्नड़ा वर्जन में भी फिल्म ठीक ठाक चल गई थी लेकिन तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी भरपूर प्यार दिया हुआ था फिल्म का जो सोशल मैसेज था जो परफॉर्मेंसेज थी कहानी डिरेक्शन सभी चीज़ें उनको पसंद आई हुई थी जिसके चलते आई एम डी वी पर करीबन आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई और लोगों को ये फिल्म इतनी पसंद आई जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई उसके बाद फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया गया और इस फिल्म के जो ओ टी राइट्स वो थिएट्रिकल थे, रिलीज के पहले ही बेच दिए गए थे जहाँ पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो कलिंगर टीवी ने खरीदे हुए थे ओ टी राइट्स सोनी लिव वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में ये फिल्म आपको सोनी लिव के एप्लीकेशन के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन गर्गी के नाम से तमिल तेलुगु कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ अगर आपको ये फिल्म ओ टी देखनी है तो सोनी लिव के एप्लीकेशन के ऊपर ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे ये फिल्म आपको गर्गी के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नड तमिल तेलुगु कन्नाडा और हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी जहाँ पे तमिल मेन लैंग्वेज है बाकी सभी वर्जन में डब किया हुआ है तो इस फिल्म को आप जरूर हिंदी में भी ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स वो कालिंगर टीवी ने खरीदे हुए तमिल वर्जन के लिए तो थिएट्रिकल रिलीज के करीबन पाँच छः महीने के बाद इस फिल्म को जरूर प्रीमियर करवाया जाएगा कालिंगा टीवी के ऊपर जहाँ फिल्म बिल्कुल फ्री में आप इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से गर्गी फिल्म को आप ओ और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो तो मेरी माँ ने अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो ज़रूर देखेगा सोनी ले के ऊपर अवेलेबल है हिंदी वर्जन फिल्म की डबिंग अच्छी है इस फिल्म को ज़रूर देखा जा सकता है तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा और फिल्म में जो सोशल मैसेज है उसको आप बारीकी डिटेल के साथ दिखाया हुआ है इन सभी चीज़ों को तो वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर हिट करेगी गर्गी जो 2022 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा हुआ है हरिहरन राजू ने और गौतम रामचंद्रन ने जहाँ पे फिल्म के डायलॉग स्क्रीन प्ले वो सभी चीज़ें इन दोनों ने ही मिल की हुई है फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ अब डिरेक्शन की बारी आई तो वो की हुई है गौतम रामचंद्रन ने तो इस फिल्म में राइटिंग का कमान हरिहरन राजू और गौतम रामचंद्रन का है वहीं पे डायरेक्शन का कमान है वो गौतम रामचंद्रन ने अकेले संभाला हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रविचंद्रन रामचंद्रन थॉमस जॉर्ज ऐश्वर्या लक्ष्मी और गौतम रामचंद्रन तो इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है यहाँ पे इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के लीड रोल में साई पल्लवी देखने को मिलेगी जो टाइटल किरदार प्ले कर रही है इनके अलावा काली वेंकट आर एस शिवाजी कविथलिया कृष्णन सर्वानंद सुधा एस प्रताप राजलक्ष्मी पी लिविंगस्टन ऐश्वर्या लक्ष्मी कालेस रामानंद जया प्रकाश रेजिन रोज नखिलेशन धनम सिवा और प्रंजुन सारा तो इतने फिल्म में कुछ आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जिन्होंने इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी श्रेन जीती प्रेम कृष्ण अकत्तू ने किए हुई है एडिटिंग की हुई है सफिक मोहम्मद अली ने जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत कर रहे तो गोविंद वसन ने इस फिल्म का सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है फिल्म को ब्लैक की जेनी एंड लेफ्ट फूड प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था डिस्ट्रीब्यूटर है टू एंटरटेनमेंट शक्ति फिल्म फैक्ट्री और परमवास स्टूडियो इस फिल्म को अलग अलग लैंग्वेज में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को थिएटर के साथ ओटी में जब रिलीज किया गया तब साथ में हिंदी वर्जन में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को मेनली तमिल वर्जन में बनाया गया था जहाँ पे तमिल वर्जन में इस फिल्म को और थिएटर में तमिल के साथ साथ तेलुगु और कन्नडा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था जहां पे कन्नडा वर्जन है उसको परमवा स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट किया था तेलुगु वर्जन और हिंदी तमिल वर्जन को 2डी एंटरटेनमेंट और शक्ति फिल्म फैक्ट्री के तहत डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको ओटीटी पे जब रिलीज किया तब अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के अलग-अलग वर्जन को थिएटर और ओटीटी में प्रीमियर करवाया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 9 मई 2022 को मेकर्स ने ऑफिशियल एक ग्लिम्प्स अनाउंस किया था इस फिल्म का ग्लिम्प्स रिलीज किया था और फिल्म का अनाउंसमेंट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो साउंड ट्रैक का जो कंपोजिशन है वो गोविंद वसन का सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों लिरिक्स और राइटिंग का कमांड कार्तिक नेथा ने किया हुआ है इसके अलावा एक गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए नीति कनकधरतम ने जहाँ पे फिल्म में टोटल चार गाने सुनने को मिलेंगे कनाडा तमिल सभी वर्जन में इस फिल्म के गानों को क्रिएट किया हुआ है पहला गाना है यात्री जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने लिखे हुए थे सिंगर रवि जी थे दूसरा गाना है मासर ने जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने ही लिखे हुए थे सिंगर थे गोविंद वसंत और कृतिका कार्तिक पांड्यन तीसरा गाना तुवी तुवी जिसके लिरिक्स कार्तिक नेथा ने लिखे हुए थे सिंगर रवि जी थे वहीं पे चौथा गाना चिन्ना मामी है जिसके लिरिक्स नितिन कंगरथम ने लिखे हुए थे और सिंगर थे नितिन ए, कंग कनक रथम तो इस तरह से कनक रत्नम फिलहाल में कर सकते है, वीडियो उसमें कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं साई पल्लवी ने गर्गी एक स्कूल टीचर का रोल प्ले किया हुआ है काली वेंकट ने इंद्रांश कलेपेम का रोल प्ले किया हुआ है जो जूनियर लॉयर है जो गर्गी को हेल्प करते हैं आर एस शिवाजी ने ब्रंदम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे कविथल्या ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले किया हुआ है सर्वानंद ने कुंदावा का रोल प्ले किया हुआ है सुधा ए एस ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ है प्रताप ने इस फिल्म में पेनिक्स जयराज का रोल प्ले किया हुआ है राजलक्ष्मी पी ने गर्गी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है लिविंगस्टन ने संद्रा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है ऐश्वर्या लक्ष्मी ने अहल्या का रोल प्ले किया हुआ है कालेस रामानंद को पलानी का रोल दिया गया था जयप्रकाश ने बानू प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है रेजिन रोस ने इस फिल्म में सर्वानंद के रिलेटिव का रोल प्ले किया हुआ है नकलीट स्तनम ने इस फिल्म में सर्वानंद के रिलेटिव का रोल प्ले किया, किया हुआ है बिगिल सिवा ने यंग गर्गी के टीचर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रजुणा सारा ने इस फिल्म में अक्सरहा का रोल प्ले किया हुआ है तो इसमें ये प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये सभी इंपॉर्टेंट रोल को इन सभी किरदारों को प्ले किया हुआ था कहानी के ऊपर बातचीत करे तो गर्गी जिसका रोल प्ले करे साई पल्लवी जो एक स्कूल टीचर है जहाँ पे वो अपनी एक शांतिपूर्वक लाइफ जीती आ रही है वहीं पे दूसरी तरफ उनके पिता यानि कि एस शिवाजी जो एक सिक्योरिटी गार्ड है जहाँ पे एक लड़की के रेप के चलते उनको एक्यूज एक किया गया है जहाँ पे छोटी बच्ची के ऊपर वो केस आया हुआ है उसी अपार्टमेंट में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो पुलिस अब उन्हें पकड़ लेती है गर्गी पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाती है वो किस तरह से फाइट करेगी किस तरह से जस्टिस लेगी उसकी मदद के लिए वो एडवोकेट गिरीशान के पास जाती है जिसका रोल प्ले करिए काली वेंकट जहाँ पे उनके पास कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है अब वो इस केस को किस तरह से जीतेगी और इन एक्सपीरियंस जो एडवोकेट है वो किस तरह से इस केस को डिफेंड करेगा साथ ही में जो अन यूजल चीज़ें दिखाई गई है उसका सोल्यूशन को किस तरह से गर्गी करने वाली वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म की कहानी में आपको कुछ ऐसा अलग देखने को नहीं मिलेगा कहानी ज़रूर सिंपल है नरेशन लेकिन जिस तरह से किया हुआ है वो फिल्म को बहुत बेहतरीन बनाता है फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से नेरेशन दिखाया हुआ है उनके जो नेरेटिव स्किल है वो काफ़ी दमदार है फिल्म की हर एक फ्रेम को उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वे में हमारे सामने शो करके दिखाया हुआ है जिस तरह से उन्होंने सभी चीज़ों को शो किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया मैनर में दिखाई देती है स्क्रीन पर इस फिल्म में जिस तरह से लेडी साई पल्लवी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी हुई है वो पूरी तरह से आपका दिल जीत लेती है उनकी जो एक्टिंग स्किल है वो आपको पता ही है कितनी अमेजिंग है वो अपनी इन एक्टिंग स्किल की वजह से अपने परफॉर्मेंस को एक अलग लेवल पे ले जाती है उनका वो डिसेंट रोल मिडिल क्लास वूमन वाला उन्होंने जिस तरह से उसमें अपना काम दिखाया हुआ है उसमें जो अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है वो अपने किरदार में वो पूरी तरह से जीती हुई नजर आई है गर्गी के रोल में उन्होंने पूरी तरह से उस किरदार को जिया हुआ है जो रोल आपको जरूर आसानी नीसे पसंद आ जाएगा फिल्म के स्टार्टिंग से एंड तक काली वेंकट जिन को एक अच्छा रोल दिया गया था जो एक लॉयर का रोल था जिन्होंने गर्गी को हेल्प किया हुआ है फिल्म की कहानी में तो उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से अपने किरदार के तहत गर्गी को सपोर्ट किया हुआ था फिल्म में उनके जितने भी सीन हैं खास करके कोर्ट सेशन वाले उसको अच्छी तरह से उन्होंने हैंडल किया हुआ था डायरेक्टर ने उन सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट किया हुआ था जहाँ पे इन एक्सपीरियंस लॉयर का किरदार उन्होंने उन जिस तरह से एक्ट किया हुआ है उसमें एक्टिंग जिस तरह से देखने को मिलती है जिस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ केस को जीतना चाहते हैं वो सभी चीज़ें उनकी फेशियल एक्सप्रेशन उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी बॉडी लैंग्वेज में झलकती है इसके अलावा इस फिल्म के और भी बड़ी कास्ट है जहाँ पे आर एस शिवाजी सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलते हैं प्रकाश राज ऐश्वर्या लक्ष्मी जहाँ पे उनके जो कैरेक्टर रोल थे उसमें वो काफ़ी बेस्ट नज़र आ रहे थे उन्होंने भरपूर तरीके से प्रॉपर वे में इस सभी किरदारों को निभाया हुआ है अच्छी तरह से सपोर्ट किया हुआ है चाइल्ड एक्ट्रेस जिन्होंने गर्गी का रोल प्ले किया हुआ था जहां पे वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए स्क्रीन पे आपको दिखाई देती है लेकिन उसके बावजूद वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्पेक्ट छोड़ने में कामयाब रहती है इस फिल्म के डायलॉग काफ़ी हेवी है काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखे गए एक मीनिंगफुल डायलॉग सुनने को मिलेंगे कोर्ट रिलेटेड जितने भी सीन है वहाँ पे जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो काफ़ी दमदार थे इसके अलावा इस फिल्म की कहानी जैसे मैंने कहा कि प्रिटी सिंपल वे में लिखी हुई है जहाँ पे उतने कुछ खास आपको ट्विस्ट और टर्न्स ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे खास करके फिल्म के फर्स्ट हाफ़ में डायरेक्टर ने फिल्म के सेकंड हाफ़ में काफ़ी काफ़ी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे वो रिपीटेटिव लगने लगती है वहीं पे फर्स्ट हाफ में जिस तरह से हैंडल किया होता है सेकंड हाफ उसी वे में आगे बढ़ाते तो वो बेहतर रहता अदरवाइज वहाँ पे ऑडियंस थोड़ी बोर हो सकती है इसके अलावा ऐश्वर्या लक्स में जो जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है उसके किरदार को थोड़ा और बेटर वे में लिखा जा सकता था उसका एक अच्छा खासा स्कोप क्रिएट किया जा सकता था स्टोरी में जो इंटेंस तरीके से और बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश हो पाता था ऐश्वर्या ने जिस तरह से उस किरदार में एक्सटेंडेड केमियो केम्योपीरियंस में अपना काम दिखाया हुआ है जो इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी है जहाँ पे उनका काम तो अच्छा था लेकिन वो रोल बेहतर वे में एक और एक्सटेंडेड तरीके से लिखा जा सकता था इसके अलावा फिल्म में कई ऐसे अननेसेसरी कैरेक्टर्स देखने को मिलते अगर उसको हटा देते मेन स्टोरी के साथ उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो वो शायद थोड़ा और बेहतर हो जाता और गर्गी का जो चाइल्डहुड है जो ड्रामा में दिखाया हुआ है उसको थोड़ा और बेहतर वे में शोकेस करके दिखा सकते थे इसके अलावा गौतम रामचंद्रन ने जिस तरह से इस फिल्म को अप्रोच किया हुआ है जिस तरह से वुमन और वो जिस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सोसाइटी में फेस करती है उसके वो दिखाया हुआ है जिस बारीकी डिटेल के साथ सभी चीज़ों को उन्होंने हमारे सामने पेश किया है वो बढ़िया है उनकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी परफेक्ट ऑन द पॉइंट थी जहाँ पे ऐश्वर्या लक्ष्मी को रिगार्डिंग जो क्लाइमेक्स में चीज़ें दिखाई जाती है वो भी काफ़ी बेहतरीन थी डायरेक्टर ने परफेक्ट वे में सभी चीज़ों को नेरेट किया हुआ है जहाँ पे वो बढ़िया तरीके से ग्रिपिंग मैनर में फिल्म को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं। हाँ फिल्म की स्टोरी लाइन थोड़ी से सिंपल ज़्यादा थी उसके ऊपर कुछ अननेसेसरी सीन्स थे लेकिन उसको इग्नोर किया जा सकता है इसके अलावा फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार नजर आती है बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है ये एक लीगल ड्रामा फिल्म थी और सिनेमेटोग्राफर ने उस माहौल को अच्छी तरह से कैप्चर किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर उसी तरह से बज रहा था जहाँ पर वो सभी सीन्स को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर रहा था जहाँ पर कुछ इंटेंस सीन है उसको और बेहतर वे में हमारे सामने पेश करने की कोशिश कर रहा था डायरेक्ट ने फिल्म में जितने भी इंटेंस सीन्स है उसको काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से दिखाया हुआ है एडिटर ने इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है क्योंकि कुछ अननेसेसरी सीन्स थे वो आसानी से ट्रिम कर सकते थे अदरवाइज बाकी सभी डिपार्टमेंट में फिल्म काफी मजबूत नजर आती है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आ रही थी कुल मिला बात करें तो फिल्म का एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जहाँ पे वो फिल्म को और बेहतर बना देता है ये एक इमोशनल लीगल ड्रामाट फिल्म है जहाँ पे सेक्सुअल एब्यूज के ऊपर पूरी कहानी सेट की गई है और एंड में जिस तरह से एक ट्विस्ट डाला हुआ है वो सभी चीजें फिल्म को और बेहतरीन बनाती है उसमें एक अच्छा निरेशन देखने को मिलता है एंगेजिंग स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है सभी एक्टर्स की अवल दर्जे की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है साए पल्लवी अपने किरदार के साथ पूरी तरह से इस फिल्म को चार चांद लगाती हुई नजर आती है उनकी वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फिल्म को और मजबूत बनाती है जहाँ पे जो कुछ आपको सेकंड हाफ आप में कुछ बेफालतू सीन्स देखने को मिलते कुछ रिपीटेटिव सीन्स देखने को मिलते कुछ कैरेक्टर है जो इग्नोर किए जा सकते थे तो उन सभी चीज़ों के होने के बावजूद इनकी जो परफॉर्मेंसेस थी जो नेरेशन था जो कहानी थी वो इतनी मज़बूत थी वो जो सोशल मैसेज है वो इतना मज़बूत था जिसके चलते वो नेगेटिव थोड़े एक दो पॉइंट थे वो आप आसानी से भूल सकते हो जहाँ पे इस सीरियस को ड्रामा फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी तो मेरी माने तो इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखेगा फिल्म जो में जो सोशल मैसेज डिलीवर किया हुआ है फिल्म की जो स्क्रिप्ट है जो स्टोरी आइडिया है जिस तरह से डायरेक्शन देखने को मिलता है स्टार कास्ट की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें फिल्म की हाईलाइट है जो फिल्म को बेहतर बनाती है फिल्म को अच्छी तरह से मेकिंग में काम किया हुआ है फिल्म को बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है तो इस वजह से इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ किया गया था तमिल तेलुगु कनाडा वर्जन में पंद्रह जुलाई दो को जहां पे थिएटर में फिल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया उसके बाद फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया था जितना बजट था उसके सामने फिल्म ने बढ़िया कलेक्शन करके दिया हुआ था जहाँ पे गर्गी फिल्म ने आई पे करीबन 1400 सौ वोट हासिल किए हुए थे जिसमें आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से तो एक बढ़िया हेवी रेटिंग हासिल करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था धीरे धीरे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये फिल्म एक हिट का टैग ले गई थी जहाँ पर फिल्म ने तमिल वर्जन में खास करके काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी सराहा हुआ था तेलगी तेलुगू और कन्नड़ा वर्जन में भी फिल्म ठीक ठाक चल गई थी लेकिन तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी भरपूर प्यार दिया हुआ था फिल्म का जो सोशल मैसेज था जो परफॉर्मेंसेज थी कहानी डायरेक्शन सभी चीज़ें उनको पसंद आई हुई थी जिसके चलते आई एम डी वी पर करीबन आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई और लोगों को ये फिल्म इतनी पसंद आई जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई उसके बाद फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया गया और इस फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स वो थिएट्रिकल रिलीज के पहले ही बेच दिए गए थे जहाँ पे इस फिल्म के सेटेलाइट राइट्स से है वो कालिंगर टीवी ने खरीदे हुए थे ओ टी राइट्स सोनी लिव वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में ये फिल्म आपको सोनी लिव की एप्लीकेशन के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन गर्गी के नाम से तमिल तेलुगू कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ अगर आपको ये फिल्म ओ टी देखनी है तो सोनी लिव की एप्लीकेशन के ऊपर ऑफिशियली विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे ये फिल्म आपको गर्गी के नाम से विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगू कन्नड़ तमिल तेलुगू कन्नडा और हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी जहाँ पे तमिल मेन लैंग्वेज है बाकी सभी वर्जन में डब किया हुआ है तो इस फिल्म को आप जरूर हिंदी में भी ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स वो कालिंगर टीवी ने खरीदे हुए तमिल वर्जन के लिए तो थिएट्रिकल रिलीज के करीबन पाँच छह महीने के बाद इस फिल्म को जरूर प्रीमियर करवाया जाएगा कालिंगर टीवी के ऊपर जहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में आप इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से गर्गी फिल्म को आप ओ और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो तो मेरी माँ ने अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो जरूर जरूर देखेगा सोनी लियो के ऊपर अवेलेबल है हिंदी वर्जन फिल्म की डबिंग अच्छी है इस फिल्म को ज़रूर देखा जा सकता है तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखेगा और फिल्म में जो सोशल मैसेज है उसको आप बारीकी डिटेल के साथ दिखाया हुआ इन सभी चीज़ों को तो वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर हिट करेगी गर्गी जो 2022 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा हुआ है हरिहरन राजू ने और गौतम रामचंद्रन ने जहाँ पे फिल्म के डायलॉग स्क्रीन प्ले वो सभी चीज़ें इन दोनों ने ही मिल की हुई है फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ अब डिरेक्शन की बारी आई तो वो की हुई है गौतम रामचंद्रन ने तो इस फिल्म में राइटिंग का कमान हरिहरन राजू और गौतम रामचंद्रन का है वहीं पे डायरेक्शन का कमान है वो गौतम रामचंद्रन ने अकेले संभाला हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रविचंद्रन रामचंद्रन थॉमस जॉर्ज ऐश्वर्या लक्ष्मी और गौतम रामचंद्रन तो इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के लीड रोल में साई पल्लवी देखने को मिलेगी जो टाइटल किरदार प्ले कर रही है इनके अलावा काली वेंकट आर एस शिवाजी कविथलिया कृष्णन सर्वानंद सुधा एस प्रताप राजलक्ष्मी पी लिविंगस्टन ऐश्वर्या लक्ष्मी कालेस रामानंद जया प्रकाश रेजिन रोज नखिलेशन धनम सिवा और प्रंजुन सारा तो इतने फिल्म में कुछ आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जिन्होंने इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी श्रेन प्रेम कृष्ण अकत्तू ने किए हुई है एडिटिंग की हुई है सफिक मोहम्मद अली ने जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत कर रहे तो गोविंद वसन ने इस फिल्म का सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है फिल्म को ब्लैक की जेनी एंड माई लेफ्ट फूड प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था डिस्ट्रीब्यूटर है एंटरटेनमेंट शक्ति फिल्म फैक्ट्री और परमवास स्टूडियो इस फिल्म को अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को थिएटर के साथ ओ में जब रिलीज किया गया तब साथ में हिंदी वर्जन में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को मेनली तमिल वर्जन में बनाया गया था जहाँ पे तमिल वर्जन में इस फिल्म को थिएटर थियेटर में तमिल के साथ साथ तेलुगु और कन्नडा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था जहां पे कन्नड़ा वर्जन है उसको परमवा स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट किया था तेलुगु वर्जन और हिंदी तमिल वर्जन को 2D एंटरटेनमेंट और शक्ति फिल्म फैक्ट्री के तहत डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको ओटीटी पे जब रिलीज किया तब अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के अलग-अलग वर्जन को थिएटर और ओटीटी में प्रीमियर करवाया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 9 मई 2022 को मेकर्स ने ऑफिशियल एक ग्लीम्स अनाउंस किया था इस फिल्म का ग्म्स रिलीज किया था और फिल्म का अनाउंसमेंट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो साउंड ट्रैक का जो कंपोजिशन है वो गोविंद वसन का सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग दोनों लिरिक्स और राइटिंग का कमान कार्तिक नेता ने किया हुआ है इसके अलावा एक गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए नीति कनक गथम ने जहाँ पे फिल्म में टोटल चार गाने सुनने को मिलेंगे कनाडा तमिल सभी वर्जन में इस फिल्म के गानों को क्रिएट किया हुआ है पहला गाना है यात्री जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने लिखे हुए थे सिंगर रवि जी थे दूसरा गाना है मासरू ने जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने ही लिखे हुए थे सिंगर थे गोविंद वसंत और कृतिका कार्तिक पांड्यन तीसरा गाना तुवी तुवी जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने लिखे हुए थे सिंगर रवि जी थे वहीं पे चौथा गाना चिन्ना मामी जिसके लिरिक्स नितिन कंग ने लिखे हुए थे और सिंगर थे नितिन कंग कनक तो इस तरह से कनक रत्नम तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इन गानों को गाया हुआ था जिसको फिलहाल मैं आप यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे इस फिल्म के जो कास्ट है उसमें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं साई पल्लवी ने गर्गी एक स्कूल टीचर का रोल प्ले किया हुआ है काली वेंकट ने इंद्रांश कलेपरम का रोल प्ले किया हुआ है जो जूनियर लॉयर है जो गर्गी को हेल्प करते हैं आर एस शिवाजी ने ब्रंदम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे कविथल्या ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले किया हुआ है सर्वानंद ने कुंदावा का रोल प्ले किया हुआ है सुधा एस ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ है प्रताप ने इस फिल्म में पेनिक्स जयराज का रोल प्ले किया हुआ है राजलक्ष्मी पी ने गर्गी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है लिविंगस्टन ने संद्रा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है ऐश्वर्या लक्ष्मी ने आहल्या का रोल प्ले किया हुआ है कालेस रामानंद को पलानी का रोल दिया गया था जयप्रकाश ने बानू प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है रेजिन रोस ने इस फिल्म में सर्वानंद के रिलेटिव का रोल प्ले किया हुआ है नकलीट तनम ने इस फिल्म में सर्वानंद के रिलेटिव का रोल प्ले किया हुआ है बिगिल सिवा ने यंग गर्गी के टीचर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रजुना सहारा ने इस फिल्म तो में अक्सरहा का रोल प्ले किया हुआ है तो इसमें ये प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये सभी इंपॉर्टेंट रोल को इन सभी किरदारों को प्ले किया हुआ था कहानी के ऊपर बातचीत करें तो गर्गी जिसका रोल प्ले करे साई पल्लवी जो एक स्कूल टीचर है जहाँ पे वो अपनी एक शांतिपूर्वक लाइफ जीती आ रही है वहीं पे दूसरी तरफ उनके पिता यानी कि आर एस शिवाजी जो एक सिक्योरिटी गार्ड है जहाँ पे एक लड़की के रेप के चलते उनको एक्यूज एक किया गया है जहाँ पे छोटी बच्ची के ऊपर वो केस आया हुआ है उसी अपार्टमेंट में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो पुलिस अब उन्हें पकड़ लेती है गर्गी पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाती है वो किस तरह से फाइट करेगी किस तरह से जस्टिस लेगी उसकी मदद के लिए वो एडवोकेट गिरीशान के पास जाती है जिसका रोल प्ले करिए काली वेंकट जहाँ पे उनके पास कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है अब वो इस केस को किस तरह से जीतेगी और इन एक्सपीरियंस जो एडवोकेट है वो किस तरह से इस केस को डिफेंड करेगा साथ ही में जो अन यूजल चीज़ें दिखाई गई है उसका सोल्यूशन को किस तरह से गर्गी करने वाली वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म की कहानी में आपको कुछ ऐसा अलग देखने को नहीं मिलेगा कहानी जरूर सिंपल है नरेशन लेकिन जिस तरह से किया हुआ है वो फिल्म को बहुत बेहतरीन बनाता है फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से निरेशन दिखाया हुआ है उनके जो नेरेटिव स्किल है वो काफ़ी दमदार है फिल्म की हर एक फ्रेम को उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वे में हमारे सामने शो करके दिखाया हुआ है जिस तरह से उन्होंने सभी चीज़ों को शो किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया मैनर में दिखाई देती है स्क्रीन पे इस फिल्म में जिस तरह से लेडी साई पल्लवी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी हुई है वो पूरी तरह से आपका दिल जीत लेती है उनकी जो एक्टिंग स्किल है वो आपको पता ही है कितनी अमेजिंग है वो अपनी इन एक्टिंग स्किल की वजह से अपने परफॉर्मेंस को एक अलग लेवल पे ले जाती है उनका वो डिसेंट रोल मिडल क्लास वूमन वाला उन्होंने जिस तरह से उसमें अपना काम दिखाया हुआ है उसमें जो अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है वो अपने किरदार में वो पूरी तरह से जीती हुई नज़र आई है गर्गी के रोल में उन्होंने पूरी तरह से उस किरदार को जिया हुआ है जो रोल आपको ज़रूर आसान

जहाँ पे इन एक्सपीरियंस लॉयर का किरदार उन्होंने जिस तरह से एक्ट किया हुआ है उसमें एक्टिंग जिस तरह से देखने को मिलती है जिस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ केस को जीतना चाहते हैं वो सभी चीज़ें उनकी फेशियल एक्सप्रेशन उनके डायलॉग डिलीवरी उनकी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में झलकती है इसके अलावा इस फिल्म के और भी बड़ी कास्ट है जहाँ पे आर एस शिवाजी सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलते हैं प्रकाश राज ऐश्वर्या लक्ष्मी जहाँ पे उनके जो कैरेक्टर रोल थे उसमें वो काफ़ी बेस्ट नज़र आ रहे थे उन्होंने भरपूर तरीके से प्रॉपर वे में इस सभी किरदारों को निभाया हुआ है अच्छी तरह से सपोर्ट किया हुआ है चाइल्ड एक्ट्रेस जिन्होंने गर्गी का रोल प्ले किया हुआ था जहाँ पे वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए स्क्रीन पे आपको दिखाई देती है लेकिन उसके बावजूद वो काफी बढ़िया तरीके से इम्पेक्ट छोड़ने में कामयाब रहती है इस फिल्म के डायलॉग काफी हेवी है काफी बढ़िया तरीके से लिखे गए एक मीनिंगफुल डायलॉग सुनने को मिलेंगे कोर्ट रिलेटेड जितने भी सीन है वहां पे जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो काफी दमदार थे इसके अलावा इस फिल्म की कहानी जैसे मैंने कहा कि प्रीटी सिंपल वे में लिखी हुई है जहाँ पे उतने कुछ खास आपको ट्विस्ट और टंस ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे खास करके फिल्म के फर्स्ट हाफ़ में डायरेक्टर ने फिल्म के सेकंड हाफ में काफ़ी काफ़ी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है जहाँ पर वो रिपीटेटिव लगने लगती है वहीं पर फर्स्ट हाफ़ में जिस तरह से हैंडल किया होता अगर सेकेंड हाफ उसी वे में आगे बढ़ाते तो वो बेहतर रहता अदरवाइज़ वहाँ पर ऑडियंस थोड़ी बोर हो सकती है इसके अलावा ऐश्वर्या लक्ष्मी जो जर्नलिस्ट का रोल किया हुआ है उसके किरदार को थोड़ा और बेटर वे में लिखा जा सकता था उसका एक अच्छा ऐश्वर्या जो, जो इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी है जहाँ पे उनका काम तो अच्छा था लेकिन वो रोल बेहतर वे में एक और एक्सटेंडेड तरीके से लिखा जा सकता था इसके अलावा फिल्म में कई ऐसे अननेसेसरी कैरेक्टर्स देखने को मिलते अगर उसको हटा देते मेन स्टोरी के साथ उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो वो शायद थोड़ा और बेहतर हो जाता और गर्गी का जो चाइल्डहुड है जो ट्रॉमा में दिखाया हुआ है उसको थोड़ा और बेहतर वे में सोकेस करके दिखा सकते थे इसके अलावा गौतम रामचंद्रन ने जिस तरह से इस फिल्म को अप्रोच किया हुआ है जिस तरह से वूमन और वो जिस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सोसाइटी में फेस करती है उसके वो दिखाया हुआ है जिस बारीकी डिटेल के साथ सभी चीज़ों को उन्होंने हमारे सामने पेश किया है वो बढ़िया है उनकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी परफेक्ट ऑन द पॉइंट थी जहाँ पे ऐश्वर्या लक्ष्मी को रिगार्डिंग जो क्लाइमेक्स में चीज़ें दिखाई जाती है वो भी काफ़ी बेहतरीन थी डायरेक्टर ने परफेक्ट वे में सभी चीज़ों को नेडेट किया हुआ है जहाँ पर वो बढ़िया तरीके से ग्रिपिंग मैनर में फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं कहाँ फिल्म की स्टोरी लाइन थोड़ी से सिंपल ज़्यादा थी उसके ऊपर कुछ अननेसेसरी सीन्स थे लेकिन उसको इग्नोर किया जा सकता है इसके अलावा फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार नज़र आती है बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है ये एक लीगल ड्रामा फिल्म थी और सिनेमेटोग्राफर ने उस माहौल को अच्छी तरह से कैप्चर किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर उसी तरह से बज रहा था जहाँ पर वो सभी सीन्स को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर रहा था जहाँ पर कुछ इंटेंस सीन है उसको और बेहतर वे में हमारे सामने पेश करने की कोशिश कर रहा था डायरेक्टर ने फिल्म में जितने भी इंटेंस सीन्स है उसको काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से दिखाया हुआ है एडिटर ने इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है क्योंकि कुछ अननेसेसरी सीन्स थे वो आसानी से ट्रिम कर सकते थे अदरवाइज बाकी सभी डिपार्टमेंट में फिल्म काफी मजबूत नजर आती है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आ रही थी कुल मिला बात करें तो फिल्म का एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जहाँ पे वो फिल्म को और बेहतर बना देता है ये एक इमोशनल लीगल ड्रामाट फिल्म है जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर पूरी कहानी सेट की गई है और एंड में जिस तरह से एक ट्विस्ट डाला हुआ है वो सभी चीजें फिल्म को और बेहतरीन बनाती है। उसमें एक अच्छा देखने को मिलता है। एंगेजिंग स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है सभी एक्टर्स की अवल दजे की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है साय पल्लवी अपने किरदार के साथ पूरी तरह से इस फिल्म को चार चांद लगाती हुई नजर आते हैं उनकी वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फिल्म को और मजबूत बनाती है जहाँ पे जो कुछ आपको सेकंड हाफ में कुछ बेफालतू सेंस देखने को मिलते कुछ रिपीटेटिव सेंस देखने को मिलते कुछ कैरेक्टर है जो इग्नोर किए जा सकते थे तो उन सभी चीज़ों के होने के बावजूद इनकी जो परफॉर्मेंसेस थी जो नेरेशन था जो कहानी थी वो इतनी मजबूत थी वो जो सोशल मैसेज है वो इतना मज़बूत था जिसके चलते वो नेगेटिव थोड़े एक दो पॉइंट थे वो आप आसानी से भूल सकते हो जहाँ पे इस सीरियस को ड्रामा फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी तो मेरी माने तो इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखेगा फिल्म में जो सोशल मैसेज डिलीवर किया हुआ है फिल्म की जो स्क्रिप्ट है जो स्टोरी आइडिया है जिस तरह से डायरेक्शन देखने को मिलता है स्टार कास्ट की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें फिल्म की हाईलाइट है जो फिल्म को बेहतर बनाती है फिल्म को अच्छी तरह से मेकिंग में काम किया हुआ है फिल्म को बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है तो इस वजह से इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ किया गया था तमिल तेलुगु कन्नड़ा वर्जन में पंद्रह जुलाई दो को जहाँ पर थिएटर में फिल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया उसके बाद फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया था जितना बजट था उसके सामने फिल्म ने बढ़िया कलेक्शन करके दिया हुआ था जहाँ पे गर्गी फिल्म ने आई पे करीबन 1400 सौ वोट हासिल किए हुए थे जिसमें 8.3 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से तो एक बढ़िया हेवी रेटिंग हासिल करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था धीरे धीरे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म एक हिट का टैग ले गई थी जहाँ पर फिल्म ने तमिल वर्जन में खास करके काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी सराहाया हुआ था तेलगू तेलुगू और कन्नड़ा वर्जन में भी फिल्म ठीक ठाक चल गई थी लेकिन तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी भरपूर प्यार दिया हुआ था फिल्म का जो सोशल मैसेज था जो परफॉर्मेंसेज थी कहानी डिरेक्शन सभी चीज़ें उनको पसंद आई हुई थी जिसके चलते आई एम डी वी पे करीबन आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई और लोगों को ये फिल्म इतनी पसंद आई जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई उसके बाद फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया गया और इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स वो, राइट वो थिएट्रिकल रिलीज के पहले ही बेच दिए गए थे जहाँ पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो कालिंगर टीवी ने खरीदे हुए थे ओ टी राइट्स सोनी लिव वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में ये फिल्म आपको सोनी लिव के एप्लीकेशन के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन गर्गी के नाम से तमिल तेलुगु कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ अगर आपको ये फिल्म ओ टी पे देखनी है तो सोनी लिव के एप्लीकेशन के ऊपर ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे ये फिल्म आपको गर्गी के नाम से विथ इंग्लिस सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगू कन्नड़ तमिल तेलुगु कन्नडा और हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी जहाँ पे तमिल मेन लैंग्वेज है बाकी सभी वर्जन में डब किया हुआ है तो इस फिल्म को आप जरूर हिंदी में भी ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे जहाँ पे इस फिल्म के सेटेलाइट राइट से वो कालिंगर टीवी ने खरीदे हुए तमिल वर्जन के लिए तो थिएट्रिकल रिलीज के करीबन पाँच छह महीने के बाद इस फिल्म को जरूर प्रीमियर करवाया जाएगा कालिंगर टीवी के ऊपर जहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में आप इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से गर्गी फिल्म को आप ओ टी टी और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर सकते हो तो मेरी माँ ने अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो देखेगा सोनी लियो के ऊपर अवेलेबल है हिंदी वर्जन फिल्म की डबिंग अच्छी है इस फिल्म को जरूर देखा जा सकता है तो आप इस फिल्म को जरूर देखेगा और फिल्म में जो सोशल मैसेज है उसको आप बारीकी डिटेल के साथ दिखाया हुआ इन सभी चीज़ों को तो वो सभी चीजें आपको जरूर हिट करेगी गर्गी जो 2022 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा हुआ है हरिहरन राजू ने और गौतम रामचंद्रन ने जहाँ पे फिल्म के डायलॉग स्क्रीन प्ले वो सभी चीजें इन दोनों ने ही मिल की हुई है फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ अब डिरेक्शन की बारी आई तो वो की हुई है गौतम रामचंद्रन ने तो इस फिल्म में राइटिंग का कमान हरिहरन राजू और गौतम रामचंद्रन का है वहीं पे डायरेक्शन का कमान है वो गौतम रामचंद्रन ने अकेले संभाला हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रविचंद्रन रामचंद्रन थॉमस जॉर्ज ऐश्वर्या लक्ष्मी और गौतम रामचंद्रन तो इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के लीड रोल में साई पल्लवी देखने को मिलेगी जो टाइटल किरदार प्ले कर रही है इनके अलावा काली वेंकट आर एस शिवाजी कविथलिया कृष्णन सर्वानंद सुधा एस प्रताप राजलक्ष्मी पी लिविंगस्टन ऐश्वर्या लक्ष्मी कालेस रामानंद जया प्रकाश रेजिन रोज नखिलेशन धनम सिवा और प्रंजुन सारा तो इतने फिल्म में कुछ आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जिन्होंने इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी श्रेन जीती प्रेम कृष्ण अकत्तू ने किए हुई है एडिटिंग की हुई है सफिक मोहम्मद अली ने जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत कर रहे तो गोविंद वसन ने इस फिल्म का सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है फिल्म को ब्लैक की जेनी एंड माय लेफ्ट फूड प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था डिस्ट्रीब्यूटर है एंटरटेनमेंट शक्ति फिल्म फैक्ट्री और परमवास स्टूडियो इस फिल्म को अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को थिएटर के साथ ओ में जब रिलीज किया गया तब साथ में हिंदी वर्जन में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को मेनली तमिल वर्जन में बनाया गया था जहाँ पे तमिल में इस फिल्म को थिएटर में तमिल के साथ साथ तेलुगू और कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था जहां पे कन्नड़ा वर्जन है उसको परमवा स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट किया था तेलुगु वर्जन और हिंदी तमिल वर्जन को टू डी एंटरटेनमेंट और शक्ति फिल्म फैक्ट्री के तहत डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको ओ टी टी पे जब रिलीज किया तब अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के अलग अलग वर्जन को थिएटर और ओ टी टी में प्रीमियर करवाया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो नौ मई दो हजार बाईस को मेकर्स ने ऑफिशियल एक ग्लिम्स अनाउंस किया था इस फिल्म का ग्लिम्स रिलीज किया था और फिल्म का अनाउंसमेंट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो साउंड का जो कंपोजिशन है वो गोविंद वसन का सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग दोनों लिरिक्स और राइटिंग का कमान कार्तिक नेता ने किया हुआ है इसके अलावा एक गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए नीति कनक ने जहाँ पे फिल्म में टोटल चार गाने सुनने को मिलेंगे कनाडा तमिल सभी वर्जन में इस फिल्म के गानों को क्रिएट किया हुआ है पहला गाना है यात्री जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने लिखे हुए थे सिंगर रवि जी थे दूसरा गाना है मासर ओपौन ने जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने ही ने लिखे हुए थे सिंगर थे गोविंद वसंत और कृतिका कार्तिक पांड्यन तीसरा गाना तुवी तुवी जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने लिखे हुए थे सिंगर रवि जी थे वहीं पे चौथा गाना चिन्ना मामी है जिसके लिरिक्स नितिन कंगरथम ने लिखे हुए थे और सिंगर थे नितिन ए, कंग कनक रथम तो इस तरह से कनक रत्नम तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इन गानों को गाया हुआ था जिसको फिलहाल मैं आप यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे इस फिल्म के जो कास्ट है उसमें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं श्याई पल्लवी ने गर्गी एक स्कूल टीचर का रोल प्ले किया हुआ है काली वेंकट ने इंद्रांश कलेपरम का रोल प्ले किया हुआ है जो जूनियर लॉयर है जो गर्गी को हेल्प करते हैं आर एस शिवाजी ने ब्रह्मानंदम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे कृष्णन ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले किया हुआ है सर्वानंद ने कुंदावा का रोल प्ले किया हुआ है सुधा एस ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ है प्रताप ने इस फिल्म में पेनिक्स जयराज का रोल प्ले किया हुआ है राज पी ने गर्गी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है लिविंगस्टन ने संद्रा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है ऐश्वर्या लक्ष्मी ने अहल्या का रोल प्ले किया हुआ है कालेस रामानंद को पलानी का रोल दिया गया था जयप्रकाश ने बानू प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है रेजिन रोस ने इस फिल्म में सर्वानंद के रिलेटिव का रोल प्ले किया हुआ है नकलीट तनम ने इस फिल्म में सर्वानंद के रिलेटिव का रोल प्ले किया हुआ है बिगिल सिवा ने यंग गर्गी के टीचर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रजुणा सहारा ने इस फिल्म में अक्सरहा का रोल प्ले किया हुआ है तो इसमें ये प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये सभी इंपॉर्टेंट रोल को इन सभी किरदारों को प्ले किया हुआ था कहानी के ऊपर बातचीत करे तो गर्गी जिसका रोल प्ले करे साई पल्लवी जो एक स्कूल टीचर है जहां पे वो अपनी एक शांतिपूर्वक लाइफ जीती आ रही है वहीं पे दूसरी तरफ उनके पिता यानी कि आर एस शिवाजी जो एक सिक्योरिटी गार्ड है जहाँ पे एक लड़की के रेप के चलते उनको एक्यूज एक किया गया है जहाँ पे छोटी बच्ची के ऊपर वो केस आया हुआ है उसी अपार्टमेंट में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो पुलिस अब उन्हें पकड़ लेती है गर्गी पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाती है वो किस तरह से फाइट करेगी किस तरह से जस्टिस लेगी उसकी मदद के लिए वो एडवोकेट गिरीशान के पास जाती है जिसका रोल प्ले करिए काली वेंकट जहाँ पे उनके पास कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है अब वो इस केस को किस तरह से जीतेगी और इन एक्सपीरियंस जो एडवोकेट है वो किस तरह से इस केस को डिफेंड करेगा साथ ही में जो अन यूजल चीज़ें दिखाई गई है उसका सोल्यूशन खूज किस तरह से गर्गी करने वाली वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म की कहानी में आपको कुछ ऐसा अलग देखने को नहीं मिलेगा कहानी जरूर सिंपल है नरेशन लेकिन जिस तरह से किया हुआ है वो फिल्म को बहुत बेहतरीन बनाता है फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से नेरेशन दिखाया हुआ है उनके जो नेरेटिव स्किल है वो काफ़ी दमदार है फिल्म की हर एक फ्रेम को उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वे में हमारे सामने शो करके दिखाया हुआ है जिस तरह से उन्होंने सभी चीज़ों को शो किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया मैनर में दिखाई देती है स्क्रीन पे इस फिल्म में जिस तरह से लेडी साई पल्लवी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी हुई है वो पूरी तरह से आपका दिल जीत लेती है उनकी जो एक्टिंग स्किल है वो आपको पता ही है कितनी अमेजिंग है वो अपनी इन एक्टिंग स्किल की वजह से अपने परफॉर्मेंस को एक अलग लेवल पे ले जाती है उनका वो डिसेंट रोल मिडिल क्लास वूमन वाला उन्होंने जिस तरह से उसमें अपना काम दिखाया हुआ है उसमें जो अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है वो अपने किरदार में वो पूरी तरह से जीती हुई नज़र आई है गर्गी के रोल में उन्होंने पूरी तरह से उस किरदार को जिया हुआ है जो रोल आपको ज़रूर आसान आसानी से पसंद आ जाएगा फिल्म के स्टार्टिंग से एंड तक काली वेंकट जिनको एक अच्छा रोल दिया गया था जो एक लॉयर का रोल था जिन्होंने गर्गी को हेल्प किया हुआ है फिल्म की कहानी में तो उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से अपने किरदार के तहत गर्गी को सपोर्ट किया हुआ था फिल्म में उनके जितने भी सीन है खास करके कोर्ट सेशन वाले उसको अच्छी तरह से उन्होंने हैंडल किया हुआ था डायरेक्टर ने उन सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट किया हुआ था जहाँ पे इन एक्सपीरियंस लॉयर का किरदार उन्होंने जिस तरह से एक्ट किया हुआ है उसमें एक्टिंग जिस तरह से देखने को मिलती है जिस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ केस को जीतना चाहते हैं वो सभी चीज़ें उनकी फेशियल एक्सप्रेशन उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी बॉडी लैंग्वेज में झलकती है इसके अलावा इस फिल्म के और भी बड़ी कास्ट है जहाँ पे आर एस शिवाजी सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलते हैं प्रकाश राज ऐश्वर्या लक्ष्मी जहाँ पे उनके जो कैरेक्टर रोल थे उसमें वो काफ़ी बेस्ट नज़र आ रहे थे उन्होंने भरपूर तरीके से प्रॉपर वे में इस सभी किरदारों को निभाया हुआ है अच्छी तरह से सपोर्ट किया हुआ है चाइल्ड एक्ट्रेस जिन्होंने गर्गी का रोल प्ले किया हुआ था जहाँ पे वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए स्क्रीन पे आपको दिखाई देती है लेकिन उसके बावजूद वो काफी बढ़िया तरीके से इम्पेक्ट छोड़ने में कामयाब रहती है इस फिल्म के डायलॉग काफी हेवी है काफी बढ़िया तरीके से लिखे गए एक मीनिंगफुल डायलॉग सुनने को मिलेंगे कोर्ट रिलेटेड जितने भी सीन है वहाँ पे जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो काफी दमदार थे इसके अलावा इस फिल्म की कहानी जैसा मैंने कहा कि प्रीटी सिंपल वे में लिखी हुई है जहाँ पे उतने कुछ खास आपको ट्विस्ट और टंस ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे खास करके फिल्म के फर्स्ट हाफ़ में डायरेक्टर ने फिल्म के सेकंड हाफ़ में काफ़ी काफ़ी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है जहाँ पर वो रिपीटेटिव लगने लगती है वहीं पे फर्स्ट हाफ में जिस तरह से हैंडल किया होता अगर सेकंड हाफ उसी वे में आगे बढ़ाते तो वो बेहतर रहता अदरवाइज़ वहाँ पर ऑडियंस थोड़ी बोर हो सकती है इसके अलावा ऐश्वर्या लक्ष्मी जो जर्नलिस्ट का रोल

के साथ उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो वो शायद थोड़ा और बेहतर हो जाता और गर्गी का जो चाइल्डहुड है जो ट्रॉमा में दिखाया हुआ है उसको थोड़ा और बेहतर वे में सोकेस करके दिखा सकते थे इसके अलावा गौतम रामचंद्रन ने जिस तरह से इस फिल्म को अप्रोच किया हुआ है जिस तरह से वूमन और वो जिस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सोसाइटी में फेस करती है उसके वो दिखाया हुआ है जिस बारीकी डिटेल के साथ सभी चीज़ों को उन्होंने हमारे सामने पेश किया है वो बढ़िया है उनकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी परफेक्ट ऑन दी पॉइंट थी जहाँ पे ऐश्वर्या लक्ष्मी को रिगार्डिंग जो क्लाइमेक्स में चीज़ें दिखाई जाती है वो भी काफ़ी बेहतरीन थी डायरेक्टर ने परफेक्ट वे में सभी चीज़ों को नेरेट किया हुआ है जहाँ पे वो बढ़िया तरीके से ग्रिपिंग मैनर में फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं हाँ फिल्म की स्टोरी लाइन थोड़ी से सिंपल ज्यादा थी उसके ऊपर कुछ अननेसेसरी सीन्स थे लेकिन उसको इग्नोर किया जा सकता है इसके अलावा फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार नजर आती बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है यह एक लीगल ड्रामा फिल्म थी और सिनेमेटोग्राफर ने उस माहौल को अच्छी तरह से कैप्चर किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर उसी तरह से बज रहा था जहाँ पर वो सभी सीन्स को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर रहा था जहाँ पे कुछ इंटेंस सीन है उसको और बेहतर वे में हमारे सामने पेश करने की कोशिश कर रहा था डायरेक्ट ने फिल्म में जितने भी इंटेंस सीन्स है उसको काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से दिखाया हुआ है एडिटर ने इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है क्योंकि कुछ अननेसेसरी सीन्स थे वो आसानी से ट्रिम कर सकते थे अदरवाइज बाकी सभी डिपार्टमेंट में फिल्म काफी मजबूत नजर आती है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आ रही थी कुल मिला बात करें तो फिल्म का एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जहाँ पे वो फिल्म को और बेहतर बना देता है ये एक इमोशनल लीगल ड्रामाट फिल्म है जहाँ पे ऊपर पूरी कहानी सेट की गई है और एंड में जिस तरह से ट्विस्ट डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतरीन बनाती है उसमें एक अच्छा निरेशन देखने को मिलता है एंगेजिंग स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है सभी एक्टर्स की अवल दर्जे की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है साय पल्लवी अपने किरदार के साथ पूरी तरह से इस फिल्म को चार चांद लगाती हुई नजर आती है उनकी वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फिल्म को और मजबूत बनाती है जहाँ पे जो कुछ आपको सेकंड में कुछ बेफालतू सेंस देखने को मिलते कुछ रिपीटेटिव सेंस देखने को मिलते कुछ कैरेक्टर है जो इग्नोर किए जा सकते थे तो उन सभी चीज़ों के होने के बावजूद इनकी जो परफॉर्मेंसेस थी जो नेरेशन था जो कहानी थी वो इतनी मज़बूत थी वो जो सोशल मैसेज है वो इतना मज़बूत था जिसके चलते वो नेगेटिव थोड़े एक दो पॉइंट थे वो आप आसानी से भूल सकते हो जहाँ पे इस सीरियस को ड्रामा फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी तो मेरी माने तो इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखेगा फिल्म जो में जो सोशल मैसेज डिलीवर किया हुआ है फिल्म की जो स्क्रिप्ट है जो स्टोरी आइडिया है जिस तरह से डायरेक्शन देखने को मिलता है स्टार कास्ट की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें फिल्म की हाईलाइट है जो फिल्म को बेहतर बनाती है फिल्म को अच्छी तरह से मेकिंग में काम किया हुआ है फिल्म को बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है तो इस वजह से इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ किया गया था तमिल तेलगु कन्नडा वर्जन में पंद्रह जुलाई दो हज़ार बाईस को जहां पे थिएटर में फिल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया उसके बाद फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया था जितना बजट था उसके सामने फिल्म ने बढ़िया कलेक्शन करके दिया हुआ था जहाँ पे गर्गी फिल्म ने आई पे करीबन चौदह सौ वोट हासिल किए हुए थे जिसमें आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो एक बढ़िया हेवी रेटिंग हासिल करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था धीरे धीरे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म एक हिट का टैग ले गई थी जहाँ पर फिल्म ने तमिल वर्जन में खास करके काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी सराहा हुआ था तेलगू तेलुगु और कन्नड़ा वर्जन में भी फिल्म ठीक ठाक चल गई थी लेकिन तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी भरपूर प्यार दिया हुआ था फिल्म का जो सोशल मैसेज था जो परफॉर्मेंसेज थी कहानी डिरेक्शन सभी चीज़ें उनको पसंद आई हुई थी जिसके चलते आई पे करीबन आठ की रेटिंग हासिल हुई और लोगों को ये फिल्म इतनी पसंद आई जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई उसके बाद फिल्म को ओ टी के ऊपर प्रीमियर करवाया गया और इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स वो थिएट्रिकल थे, रिलीज के पहले ही बेच दिए गए थे जहाँ पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो कलिंगर टीवी ने खरीदे हुए थे ओ टी राइट्स सोनी लिव वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में ये फिल्म आपको सोनी लिव के एप्लीकेशन के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन गर्गी के नाम से तमिल तेलुगु कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ अगर आपको ये फिल्म ओ टी देखनी है तो सोनी लिव के एप्लीकेशन के ऊपर ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे ये फिल्म आपको गर्गी के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्सन तमिल तेलुगू कन्नड तमिल तेलगू कन्नाडा और हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी जहाँ पे तमिल मेन लैंग्वेज है बाकी सभी वर्जन में डब किया हुआ है तो इस फिल्म को आप जरूर हिंदी में भी ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे इस फिल्म के सेटेलाइट राइट्स से वो कालिंगा टी ने खरीदे हुए तमिल वर्जन के लिए तो थिएटरकल रिलीज़ के करीबन पाँच छः महीने के बाद इस फिल्म को ज़रूर प्रीमियर करवाया जाएगा कालिंगा टी के ऊपर जहाँ पर यह फिल्म बिल्कुल फ्री में आप इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से गर्गी फिल्म को आप ओ और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हो तो मेरी माँ ने अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखेगा सोनी लियो के ऊपर अवेलेबल है हिंदी वर्जन फिल्म की डबिंग अच्छी है इस फिल्म को जरूर देखा जा सकता है तो आप इस फिल्म को जरूर देखेगा और फिल्म में जो सोशल मैसेज है उसको आप बारीकी डिटेल के साथ दिखाया हुआ है इन सभी चीज़ों को तो वो सभी चीज़ें आपको जरूर हिट करेगी गर्गी जो 2022 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा हुआ है हरिहरन राजू ने और गौतम रामचंद्रन ने जहाँ पे फिल्म के डायलॉग स्क्रीन प्ले वो सभी चीजें इन दोनों ने ही मिल की हुई है फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ अब डायरेक्शन की बारी आई तो वो की हुई है गौतम रामचंद्रन ने तो इस फिल्म में राइटिंग का कमान हरिहरन राजू और गौतम रामचंद्रन का है वहीं पे डायरेक्शन का कमान है वो गौतम रामचंद्रन ने अकेले संभाला हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रविचंद्रन रामचंद्रन थॉमस जॉर्ज ऐश्वर्या लक्ष्मी और गौतम रामचंद्रन तो इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के लीड रोल में साई पल्लवी देखने को मिलेगी जो टाइटल किरदार प्ले कर रही है इनके अलावा काली वेंकट आर एस शिवाजी कविथलिया कृष्णन सर्वानंद सुधा एस प्रताप राजलक्ष्मी पी लिविंगस्टन ऐश्वर्या लक्ष्मी कालेस रामानंद जया प्रकाश रेजिन रोज नखिलेशन धनम सिवा और प्रंजुन सारा तो इतने फिल्म में कुछ आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जिन्होंने इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी श्रेन जीती प्रेम कृष्ण अकत्तू ने किए हुई है एडिटिंग की हुई है शफिक मोहम्मद अली ने जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत कर रहे तो गोविंद वसन ने इस फिल्म का सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है फिल्म को ब्लैक की जेनी एंड माय लेफ्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था डिस्ट्रीब्यूटर है एंटरटेनमेंट शक्ति फिल्म फैक्ट्री और परमवास स्टूडियो इस फिल्म को अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को थिएटर के साथ ओ में जब रिलीज किया गया तब साथ में हिंदी वर्जन में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को मेनली तमिल वर्जन में बनाया गया था जहाँ पे तमिल में इस फिल्म को थिएटर में तमिल के साथ साथ तेलुगु और कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था जहां पे कन्नड़ा वर्जन है उसको परमवा स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट किया था तेलुगु वर्जन और हिंदी तमिल वर्जन को 2D एंटरटेनमेंट और शक्ति फिल्म फैक्ट्री के तहत डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको ओटीटी पे जब रिलीज किया तब अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के अलग-अलग वर्जन को थिएटर और ओटीटी में प्रीमियर करवाया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 9 मई 2022 को मेकर्स ने ऑफिशियल एक अनाउंस किया था इस फिल्म का रिलीज किया था और फिल्म का अनाउंसमेंट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो साउंड ट्रैक का जो कंपोजिशन है वो गोविंद वसन का सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग दोनों लिरिक्स और राइटिंग का कमान कार्तिक नेता ने किया हुआ है इसके अलावा एक गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए नीति कनक गथम ने जहाँ पे फिल्म में टोटल चार गाने सुनने को मिलेंगे कनाडा तमिल सभी वर्जन में इस फिल्म के गानों को क्रिएट किया हुआ है पहला गाना है यात्री जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने लिखे हुए थे सिंगर रवि जी थे दूसरा गाना है ने जिसके लिरिक्स कार्तिक ने, ने, ने ही लिखे हुए थे थे सिंगर गोविंद वसंत और कृतिका कार्तिक पांडियन तीसरा गाना तुवी तुवी जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने लिखे हुए थे सिंगर रवि जी थे वहीं पे चौथा गाना चिन्ना मामी जिसके लिरिक्स नितिन कंगरथम ने लिखे हुए थे और सिंगर थे नितिन कंग कनगरथम तो इस तरह से कनक रत्नम तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इन गानों को गाया हुआ था जिसको फिलहाल मैं आप यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे इस फिल्म के जो कास्ट है उसमें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं साई पल्लवी ने गर्गी एक स्कूल टीचर का रोल प्ले किया हुआ है काली वेंकट ने इंद्रांश कलेपरम का रोल प्ले किया हुआ है जो जूनियर लॉयर है जो गर्गी को हेल्प करते हैं आर एस शिवाजी ने ब्रह्मानंदम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे कृष्णन ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले किया हुआ है सर्वानंद ने कुंदावा का रोल प्ले किया हुआ है सुधा एस ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ है प्रताप ने इस फिल्म में पेनिक्स जयराज का रोल प्ले किया हुआ है राज पी ने गर्गी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है लिविंगस्टन ने संद्रा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है ऐश्वर्या लक्ष्मी ने आहल्या का रोल प्ले किया हुआ है कालेस रामानंद को पलानी का रोल दिया गया था जयप्रकाश ने बानू प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है रेजिन रोस ने इस फिल्म में सर्वानंद के रिलेटिव का रोल प्ले किया हुआ है नकलीट तनम ने इस फिल्म में सर्वानंद के रिलेटिव का रोल प्ले किया हुआ है बिगिल सिवा ने यंग गर्गी के टीचर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रजुणा सहारा ने इस फिल्म में अक्सरहा का रोल प्ले किया हुआ है तो इसमें ये प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये सभी इंपॉर्टेंट रोल को इन सभी किरदारों को प्ले किया हुआ था कहानी के ऊपर बातचीत करें तो गर्गी जिसका रोल प्ले करे साई पल्लवी जो एक स्कूल टीचर है जहां पे वो अपनी एक शांतिपूर्वक लाइफ जीती आ रही है वहीं पे दूसरी तरफ उनके पिता यानी कि आर एस शिवाजी जो एक सिक्योरिटी गार्ड है जहाँ पे एक लड़की के रेप के चलते उनको एक्यूज एक किया गया है जहाँ पे छोटी बच्ची के ऊपर वो केस आया हुआ है उसी अपार्टमेंट में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो पुलिस अब उन्हें पकड़ लेती है गर्गी पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाती है वो किस तरह से फाइट करेगी किस तरह से जस्टिस लेगी उसकी मदद के लिए वो एडवोकेट गिरीशान के पास जाती है जिसका रोल प्ले करिए काली वेंकट जहाँ पे उनके पास कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है अब वो इस केस को किस तरह से जीतेगी और इन एक्सपीरियंस जो एडवोकेट है वो किस तरह से इस केस को डिफेंड करेगा साथ ही में जो अन यूजल चीज़ें दिखाई गई है उसका सोल्यूशन खोज किस तरह से गर्गी करने वाली वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म की कहानी में आपको कुछ ऐसा अलग देखने को नहीं मिलेगा कहानी जरूर सिंपल है नरेशन लेकिन जिस तरह से किया हुआ है वो फिल्म को बहुत बेहतरीन बनाता है फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से नेरेशन दिखाया हुआ है उनके जो नेरेटिव स्किल है वो काफ़ी दमदार है फिल्म की हर एक फ्रेम को उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वे में हमारे सामने शो करके दिखाया हुआ है जिस तरह से उन्होंने सभी चीज़ों को शो किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया मैनर में दिखाई देती है स्क्रीन पे इस फिल्म में जिस तरह से लेडी साई पल्लवी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी हुई है वो पूरी तरह से आपका दिल जीत लेती है उनकी जो एक्टिंग स्किल है वो आपको पता ही है कितनी अमेजिंग है वो अपनी इन एक्टिंग स्किल की वजह से अपने परफॉर्मेंस को एक अलग लेवल पे ले जाती है उनका वो डिसेंट रोल मिडिल क्लास वमन वाला उन्होंने जिस तरह से उसमें अपना काम दिखाया हुआ है उसमें जो अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है वो अपने किरदार में वो पूरी तरह से जीती हुई नज़र आई है गर्गी के रोल में उन्होंने पूरी तरह से उस किरदार को जिया हुआ है जो रोल आपको ज़रूर आसान आसानी से पसंद आ जाएगा फिल्म के स्टार्टिंग से एंड तक काली वेंकट जिनको एक अच्छा रोल दिया गया था जो एक लॉयर का रोल था जिन्होंने गर्गी को हेल्प किया हुआ है फिल्म की कहानी में तो उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से अपने किरदार के तहत गर्गी को सपोर्ट किया हुआ था फिल्म में उनके जितने भी सीन है खास करके कोर्ट सेशन वाले उसको अच्छी तरह से उन्होंने हैंडल किया हुआ था डायरेक्टर ने उन सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट किया हुआ था जहाँ पे इन एक्सपीरियंस लॉयर का किरदार उन्होंने उन जिस तरह से एक्ट किया हुआ है उसमें एक्टिंग जिस तरह से देखने को मिलती है जिस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ केस को जीतना चाहते हैं वो सभी चीज़ें उनकी फेशियल एक्सप्रेशन उनके डायलॉग डिलीवरी उनकी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में झलकती है इसके अलावा इस फिल्म के और भी बड़ी कास्ट है जहाँ पे आर एस शिवाजी सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलते हैं प्रकाश राज ऐश्वर्या लक्ष्मी जहाँ पे उनके जो कैरेक्टर रोल थे उसमें वो काफ़ी बेस्ट नज़र आ रहे थे उन्होंने भरपूर तरीके से प्रॉपर वे में इस सभी किरदारों को निभाया हुआ है अच्छी तरह से सपोर्ट किया हुआ है चाइल्ड एक्ट्रेस जिन्होंने गर्गी का रोल प्ले किया हुआ था जहाँ पे वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए स्क्रीन पे आपको दिखाई देती है लेकिन उसके बावजूद वो काफी बढ़िया तरीके से इम्पेक्ट छोड़ने में कामयाब रहती है इस फिल्म के डायलॉग काफी हेवी है काफी बढ़िया तरीके से लिखे गए एक मीनिंगफुल डायलॉग सुनने को मिलेंगे कोर्ट रिलेटेड जितने भी सीन है वहाँ पे जो डायलॉग सुनने को मिलते वो काफी दमदार थे इसके अलावा इस फिल्म की कहानी जैसा मैंने कहा कि प्रीटी सिंपल वे में लिखी हुई है जहाँ पे उतने कुछ खास आपको ट्विस्ट और टंसर ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे खास करके फिल्म के फर्स्ट हाफ़ में डायरेक्टर ने फिल्म के सेकंड हाफ़ में काफ़ी काफ़ी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे कि वो रिपीटेटिव लगने लगती है वहीं पर फर्स्ट हाफ में जिस तरह से हैंडल किया होता अगर सेकेंड हाफ उसी वे में आगे बढ़ाते तो वो बेहतर रहता अदरवाइज़ वहाँ पे ऑडियंस थोड़ी बोर हो सकती है इसके अलावा ऐश्वर्या लक्स में जो जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है उसके किरदार को थोड़ा और बेटर वे में लिखा जा सकता था उसका एक अच्छा खासा स्कोप क्रिएट किया जा सकता था स्टोरी में जो इंटेंस तरीके से और बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश हो पाता था ऐश्वर्या ने जिस तरह से उस किरदार में एक्सटेंडेड कैम्यूपेरेंस में अपना काम दिखाया हुआ है जो इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी है जहाँ पे उनका काम तो अच्छा था लेकिन वो रोल बेहतर वे में एक और एक्सटेंडेड तरीके से लिखा जाता सकता था इसके अलावा फिल्म में कई ऐसे अननेसेसरी कैरेक्टर्स देखने को मिलते अगर उसको हटा देते मेन स्टोरी के साथ उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो वो शायद थोड़ा और बेहतर हो जाता और गर्गी का जो चाइल्डहुड है जो ट्रॉमा में दिखाया हुआ है उसको थोड़ा और बेहतर वे में शोकेस करके दिखा सकते थे इसके अलावा गौतम रामचंद्रन ने जिस तरह से इस फिल्म को अप्रोच किया हुआ है जिस तरह से वूमन और वो जिस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सोसाइटी में फेस करती है उसके वो दिखाया हुआ है जिस बारीकी डिटेल के साथ सभी चीज़ों को उन्होंने हमारे सामने पेश किया है वो बढ़िया है उनकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी परफेक्ट ऑन दी पॉइंट थी जहाँ पे ऐश्वर्या लक्ष्मी को रिगार्डिंग जो क्लाइमेक्स में चीज़ें दिखाई जाती है वो भी काफ़ी बेहतरीन थी डायरेक्टर ने परफेक्ट वे में सभी चीज़ों को नेरेट किया हुआ है जहाँ पे वो बढ़िया तरीके से ग्रिपिंग मैनर में फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं कहाँ फिल्म की स्टोरी लाइन थोड़ी से सिंपल ज़्यादा थी उसके ऊपर कुछ अननेसेसरी सीन्स थे लेकिन उसको इग्नोर किया जा सकता है इसके अलावा फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार नजर आती है बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है ये एक लीगल ड्रामा फिल्म थी और सिनेमेटोग्राफर ने उस माहौल को अच्छी तरह से कैप्चर किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर उसी तरह से बज रहा था जहाँ पर वो सभी सीन्स को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर रहा था जहाँ पर कुछ इंटिस इंटेंस सीन है उसको और बेहतर वे में हमारे सामने पेश करने की कोशिश कर रहा था डायरेक्ट ने फिल्म में जितने भी इंटेंस सीन्स है उसको काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से दिखाया हुआ है एडिटर ने इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है क्योंकि कुछ अननेसेसरी सीन्स थे वो आसानी से ट्रिम कर सकते थे अदरवाइज बाकी सभी डिपार्टमेंट में फिल्म काफी मजबूत नजर आती है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आ रही थी कुल मिला बात करें तो फिल्म का एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जहाँ पे वो फिल्म को और बेहतर बना देता है ये एक इमोशनल लीगल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे सेक्सुअल एब्यूज के ऊपर पूरी कहानी सेट की गई है और एंड में जिस तरह से एक ट्विस्ट डाला हुआ है वो सभी चीजें फिल्म को और बेहतरीन बनाती है। उसमें एक अच्छा देखने को मिलता है। एंगेजिंग स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है सभी एक्टर्स की अवल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है साय पल्लवी अपने किरदार के साथ पूरी तरह से इस फिल्म को चार चांद लगाती हुई नजर आते हैं उनकी वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फिल्म को और मजबूत बनाती है जहाँ पे जो कुछ है, आपको सेकंड हाफ में कुछ बेफालतू सेंस देखने को मिलते कुछ रिपीटेटिव सेंस देखने को मिलते कुछ कैरेक्टर है जो इग्नोर किए जा सकते थे तो उन सभी चीज़ों के होने के बावजूद इनकी जो परफॉर्मेंसेस थी जो नेरेशन था जो कहानी थी वो इतनी मज़बूत थी वो जो सोशल मैसेज है वो इतना मज़बूत था जिसके चलते वो नेगेटिव थोड़े एक दो पॉइंट थे वो आप आसानी से भूल सकते हो जहाँ पे इस सीरियस को ड्रामा फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी तो मेरी माने तो इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखेगा फिल्म में जो सोशल मैसेज डिलीवर किया हुआ है फिल्म की जो स्क्रिप्ट है जो स्टोरी आइडिया है जिस तरह से डायरेक्शन देखने को मिलता है स्टार कास्ट की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें फिल्म की हाईलाइट है जो फिल्म को बेहतर बनाती है फिल्म को अच्छी तरह से मेकिंग में काम किया हुआ है फिल्म को बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है तो इस वजह से इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ किया गया था तमिल तेल कन्नडा वर्जन में पंद्रह जुलाई दो हजार बाईस को जहां पे थिएटर में फिल्म ने जिस तरह से करीब चौदह सौ वोट हासिल किए अच्छा हुए थे जिसमें आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो एक बढ़िया हेवी रेटिंग हासिल करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था धीरे धीरे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म एक हिट का टैग ले गई थी जहां पर फिल्म ने तमिल वर्जन में खास करके काफी बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी सराहा हुआ था तेलुगु और कन्नड़ा वर्जन में भी फिल्म ठीक ठाक चल गई थी लेकिन तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी भरपूर प्यार दिया हुआ था फिल्म का जो सोशल मैसेज था जो परफॉर्मेंसेज थी कहानी डिरेक्शन सभी चीज़ें उनको पसंद आई हुई थी जिसके चलते आई पे करीबन आठ की रेटिंग हासिल हुई और लोगों को ये फिल्म इतनी पसंद आई जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई उसके बाद फिल्म को ओ टी के ऊपर प्रीमियर करवाया गया और इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स वो थिएट्रिकल थे, रिलीज के पहले ही बेच दिए गए थे जहाँ पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो कलिंगर टीवी ने खरीदे हुए थे ओ टी राइट्स सोनी लिव वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में ये फिल्म आपको सोनी लिव के एप्लीकेशन के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन गर्गी के नाम से तमिल तेलुगु कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ अगर आपको ये फिल्म ओ टी पे देखनी है तो सोनी लिव के एप्लीकेशन के ऊपर ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पर ये फिल्म आपको गर्गी के नाम से విత్ ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటల్ సబ్స్క్రిప్షన్ తమిళ్ తెలుగు కన్నడ तमिल तेलुगु कन्नडा और हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी जहाँ पे तमिल मेन लैंग्वेज है बाकी सभी वर्जन में डब किया हुआ है तो इस फिल्म को आप जरूर हिंदी में भी ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट वो कालिंगर टीवी ने खरीदे हुए तमिल वर्जन के लिए तो थिएट्रिकल रिलीज के करीबन पाँच छः महीने के बाद इस फिल्म को जरूर प्रीमियर करवाया जाएगा कालिंगर टीवी के ऊपर जहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में आप इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से गर्गी फिल्म को आप ओ और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो तो मेरी माँ ने अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो देखेगा सोनी के ऊपर अवेलेबल है है हिंदी वर्जन फिल्म की डबिंग अच्छी ज़रूर देखा जा सकता है तो आप इस फिल्म को जरूर देखेगा और फिल्म में जो सोशल मैसेज है उसको आप बारीकी डिटेल के साथ दिखाया हुआ इन सभी चीजों को तो वो सभी चीज़ें आपको जरूर हिट करेगी गर्गी जो 2022 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा हुआ है हरिहरन राजू ने और गौतम रामचंद्रन ने जहाँ पे फिल्म के डायलॉग स्क्रीन प्ले वो सभी चीजें इन दोनों ने ही मिलके की हुई है फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ अब डायरेक्शन की बारी आई तो वो की हुई है गौतम रामचंद्रन ने तो इस फिल्म में राइटिंग का कमान हरिहरन राजू और गौतम रामचंद्रन का है वहीं पे डायरेक्शन का कमान है वो गौतम रामचंद्रन ने अकेले संभाला हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रविचंद्रन रामचंद्रन थॉमस जॉर्ज ऐश्वर्या लक्ष्मी और गौतम रामचंद्रन तो इतने प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के लीड रोल में साई पल्लवी देखने को मिलेगी जो टाइटल किरदार प्ले कर रही है इनके अलावा काली वेंकट आर एस शिवाजी कविथलिया कृष्णन सर्वानंद सुधा एस प्रताप राजलक्ष्मी पी लिविंगस्टन ऐश्वर्या लक्ष्मी कालेस रामानंद जया प्रकाश रेजिन रोज नखिलेशन धनम सिवा और प्रंजुन सारा तो इतने फिल्म में कुछ आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जिन्होंने इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी श्रेय जीती प्रेम कृष्ण अकत्तू ने किए हुई है एडिटिंग की हुई है शफिक मोहम्मद अली ने जहाँ पे इस फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत कर रहे तो गोविंद वसन ने इस फिल्म का सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है फिल्म को ब्लैक की जेनी एंड माय लेफ्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था डिस्ट्रीब्यूटर है एंटरटेनमेंट शक्ति फिल्म फैक्ट्री और परमवास स्टूडियो इस फिल्म को अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को थिएटर के साथ ओ में जब रिलीज किया गया तब साथ में हिंदी वर्जन में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को मेनली तमिल वर्जन में बनाया गया था जहाँ पे तमिल में इस फिल्म को थिएटर में तमिल के साथ साथ तेलुगु और कन्नड़ा डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था जहां पे कन्नड़ा वर्जन है उसको परमवास स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट किया था तेलुगु वर्जन और तमिल वर्जन को टू डी एंटरटेनमेंट और शक्ति फिल्म फैक्ट्री के तहत डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको ओ पे जब रिलीज किया तब अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के अलग अलग वर्जन को थिएटर और ओ में प्रीमियर करवाया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे तो नौ मई दो को मेकर्स ने ऑफिशियल एक ग्लिम्स अनाउंस किया था इस फिल्म का ग्लिम्स रिलीज किया था और फिल्म का अनाउंसमेंट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करे तो साउंड का जो कंपोजिशन है वो गोविंद वसन का सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों लिरिक्स और राइटिंग का कमान कार्तिक नेता ने किया हुआ है इसके अलावा एक गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए नीति कनक ने जहाँ पे फिल्म में टोटल चार गाने सुनने को मिलेंगे कन्नाडा तमिल सभी वर्जन में इस फिल्म के गानों को क्रिएट किया हुआ है पहला गाना है यात्री जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने लिखे हुए थे सिंगर रवि जी थे दूसरा गाना है मासर उपौन ने जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने ही लिखे हुए थे सिंगर थे गोविंद वसंत और कृतिका कार्तिक पांडियन तीसरा गाना तुवी तुवी जिसके लिरिक्स कार्तिक नेता ने लिखे हुए थे सिंगर रवि जी थे वहीं पे चौथा गाना चिन्ना मामिये जिसके लिरिक्स नितिन कंगरथम ने लिखे हुए थे और सिंगर थे नितिन कनक रथम तो इस तरह से कनक रत्नम तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने मिलकर इन गानों को गाया हुआ था जिसको फिलहाल मैं आप यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे इस फिल्म के जो कास्ट है उसमें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं सियाई पल्लवी ने गर्गी एक स्कूल टीचर का रोल प्ले किया हुआ है काली वेंकट ने इंद्रांश कलेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है जो जूनियर लॉयर है जो गर्गी को हेल्प करते हैं आर एस शिवाजी ने ब्रह्मानंदम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे कविथल्या कृष्णन ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले किया हुआ है सर्वानंद ने कुंदावा का रोल प्ले किया हुआ है सुधा ए एस ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ है प्रताप ने इस फिल्म में पेनिक्स जयराज का रोल प्ले किया हुआ है राज पी ने गर्गी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है लिविंगस्टन ने संद्रा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है ऐश्वर्या लक्ष्मी ने आहल्या का रोल प्ले किया हुआ है कालेश रामानंद को पलानी का रोल दिया गया था जयप्रकाश ने बानु प्रकाश का रोल प्ले किया

जहाँ पे वो अपने एक शांतिपूर्वक लाइफ जीती आ रही है वहीं पे दूसरी तरफ उनके पिता यानी कि आर एस शिवाजी जो एक सिक्योरिटी गार्ड है जहाँ पे एक लड़की के रेप के चलते उनको एक्यूज एक किया गया है जहाँ पे छोटी बच्ची के ऊपर वो केस आया हुआ है उसी अपार्टमेंट में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो पुलिस अब उन्हें पकड़ लेती है गर्गी पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाती है वो किस तरह से फाइट करेगी किस तरह से जस्टिस लेगी उसकी मदद के लिए वो एडवोकेट गिरी के पास जाती है जिसका रोल प्ले करे काली वेंकट जहाँ पे उनके पास कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है अब वो इस केस को किस तरह से जीतेगी और इन एक्सपीरियंस जो एडवोकेट है वो किस तरह से इस केस को डिफेंड करेगा साथ ही में जो अन चीज़ें दिखाई गई है उसका सोल्यूशन खोज किस तरह से गर्गी करने वाली वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म की कहानी में आपको कुछ ऐसा अलग देखने को नहीं मिलेगा कहानी जरूर सिंपल है नरेशन लेकिन जिस तरह से किया हुआ है वो फिल्म को बहुत बेहतरीन बनाता है फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से नेरेशन दिखाया हुआ है उनके जो नेरेटिव स्किल है वो काफ़ी दमदार है फिल्म की हर एक फ्रेम को उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वे में हमारे सामने शो करके दिखाया हुआ है जिस तरह से उन्होंने सभी चीज़ों को शो किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया मैनर में दिखाई देती है स्क्रीन पे इस फिल्म में जिस तरह से लेडी साई पल्लवी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी हुई है वो पूरी तरह से आपका दिल जीत लेती है उनकी जो एक्टिंग स्किल है वो आपको पता ही है कितनी अमेजिंग है वो अपनी इन एक्टिंग स्किल की वजह से अपने परफॉर्मेंस को एक अलग लेवल पे ले जाती है उनका वो डिसेंट रोल मिडिल क्लास वूमन वाला उन्होंने जिस तरह से उसमें अपना काम दिखाया हुआ है उसमें जो अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है वो अपने किरदार में वो पूरी तरह से जीती हुई नज़र आई है गर्गी के रोल में उन्होंने पूरी तरह से उस किरदार को जिया हुआ है जो रोल आपको ज़रूर आसान नी से पसंद आ जाएगा फिल्म के स्टार्टिंग से एंड तक काली वेंकट जिन को एक अच्छा रोल दिया गया था जो एक लॉयर का रोल था जिन्होंने गर्गी को हेल्प किया हुआ है फिल्म की कहानी में तो उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से अपने किरदार के तहत गर्गी को सपोर्ट किया हुआ था फिल्म में उनके जितने भी सीन हैं खास करके कोर्ट सेशन वाले उसको अच्छी तरह से उन्होंने हैंडल किया हुआ था डायरेक्टर ने उन सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट किया हुआ था जहाँ पे इन एक्सपीरियंस लॉयर का किरदार उन्होंने उन जिस तरह से एक्ट किया हुआ है उसमें एक्टिंग जिस तरह से देखने को मिलती है जिस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ केस को जीतना चाहते हैं वो सभी चीज़ें उनकी फेशियल एक्सप्रेशन उनके डायलॉग डिलीवरी उनकी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में झलकती है इसके अलावा इस फिल्म के और भी बड़ी कास्ट है जहाँ पे आर एस शिवाजी सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलते हैं प्रकाश राज ऐश्वर्या लक्ष्मी जहाँ पे उनके जो कैरेक्टर रोल थे उसमें वो काफ़ी बेस्ट नज़र आ रहे थे उन्होंने भरपूर तरीके से प्रॉपर वे में इस सभी किरदारों को निभाया हुआ है अच्छी तरह से सपोर्ट किया हुआ है चाइल्ड एक्ट्रेस जिन्होंने गर्गी का रोल प्ले किया हुआ था जहाँ पे वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए स्क्रीन पे आपको दिखाई देती है लेकिन उसके बावजूद वो काफी बढ़िया तरीके से इम्पेक्ट छोड़ने में कामयाब रहती है इस फिल्म के डायलॉग काफी हेवी है काफी बढ़िया तरीके से लिखे गए एक मीनिंगफुल डायलॉग सुनने को मिलेंगे कोर्ट रिलेटेड जितने भी सीन है वहाँ पे जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो काफी दमदार थे इसके अलावा इस फिल्म की कहानी जैसा मैंने कहा कि प्रिटी सिम्पल वे में लिखी हुई है जहाँ पे उतने कुछ खास आपको ट्विस्ट और टंस ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे खास करके फिल्म के फर्स्ट हाफ़ में डायरेक्टर ने फिल्म के सेकंड हाफ में काफ़ी काफ़ी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है जहाँ पर वो रिपीटेटिव लगने लगती है वहीं पे फर्स्ट हाफ में जिस तरह से हैंडल किया होता अगर सेकंड हाफ उसी वे में आगे बढ़ाते तो वो बेहतर रहता अदरवाइज़ वहाँ पर ऑडियंस थोड़ी बोर हो सकती है इसके अलावा ऐश्वर्या लक्ष्मी जो जर्नलिस्ट का रोल प्ले क्या हुआ है उसके किरदार को थोड़ा और बेटर वे में लिखा जा सकता था उसका एक अच्छा खासा स्कोप क्रिएट किया जा सकता था स्टोरी में जो इंटेंस तरीके से और बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश हो पाता था ऐश्वर्या ने जिस तरह से उस किरदार में एक में एक्सटेंडेड अपना काम दिखाया हुआ है जो इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी है जहाँ पे उनका काम तो अच्छा था लेकिन वो रोल बेहतर वे में एक और एक्सटेंडेड तरीके से लिखा जा सकता था इसके अलावा फिल्म में कई ऐसे अननेसेसरी कैरेक्टर्स देखने को मिलते अगर उसको हटा देते मेन स्टोरी के साथ उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो वो शायद थोड़ा और बेहतर हो जाता और गर्गी का जो चाइल्डहुड है जो ट्रॉमा में दिखाया हुआ है उसको थोड़ा और बेहतर वे में सोकेस करके दिखा सकते थे इसके अलावा गौतम रामचंद्रन ने जिस तरह से इस फिल्म को अप्रोच किया हुआ है जिस तरह से वूमन और वो जिस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सोसाइटी में फेस करती है उसके वो दिखाया हुआ है जिस बारीकी डिटेल के साथ सभी चीज़ों को उन्होंने हमारे सामने पेश किया है वो बढ़िया है उनकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी परफेक्ट ऑन दी पॉइंट थी जहाँ पे ऐश्वर्या लक्ष्मी को रिगार्डिंग जो क्लाइमेक्स में चीज़ें दिखाई जाती है वो भी काफ़ी बेहतरीन थी डायरेक्टर ने परफेक्ट वे में सभी चीज़ों को नेरेट किया हुआ है जहाँ पे वो बढ़िया तरीके से ग्रिपिंग मैनर में फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं कहाँ फिल्म की स्टोरी लाइन थोड़ी उससे सिंपल ज्यादा थी उसके ऊपर कुछ अननेसेसरी सीन्स थे लेकिन उसको इग्नोर किया जा सकता है इसके अलावा फ़िल्म में सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार नजर आती बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है यह एक लीगल ड्रामा फिल्म थी और सिनेमेटोग्राफर ने उस माहौल को अच्छी तरह से कैप्चर किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर उसी तरह से बज रहा था जहाँ पर वो सभी सीन्स को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर रहा था जहाँ पर कुछ इंटेंस सीन है उसको और बेहतर वे में हमारे सामने पेश करने की कोशिश कर रहा था डायरेक्टर ने फिल्म में जितने भी इंटेंस सीन्स है उसको काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से दिखाया हुआ है एडिटर ने इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है क्योंकि कुछ अननेसेसरी सीन्स थे वो आसानी से ट्रिम कर सकते थे अदरवाइज बाकी सभी डिपार्टमेंट में फिल्म काफी मजबूत नजर आती है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आ रही थी कुल मिला बात करें तो फिल्म का एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जहाँ पे वो फिल्म को और बेहतर बना देता है ये एक इमोशनल लीगल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर पूरी कहानी सेट की गई है और एंड में जिस तरह से एक ट्विस्ट डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतरीन बनाती है उसमें एक अच्छा नेरेसन देखने को मिलता है एंगेजिंग स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है सभी एक्टर्स की अवल दर्जे की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है साय पल्लवी अपने किरदार के साथ पूरी तरह से इस फिल्म को चार चांद लगाती हुई नजर आती है उनकी वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फिल्म को और मजबूत बनाती है जहाँ पे जो कुछ आपको सेकंड हाफ आप में कुछ बेफालतू सेंस देखने को मिलते कुछ रिपीटेटिव सेंस देखने को मिलते कुछ कैरेक्टर है जो इग्नोर किए जा सकते थे तो उन सभी चीज़ों के होने के बावजूद इनकी जो परफॉर्मेंसेस थी जो नेरेशन था जो कहानी थी वो इतनी मज़बूत थी वो जो सोशल मैसेज है वो इतना मजबूत था जिसके चलते वो नेगेटिव थोड़े एक दो पॉइंट थे वो आप आसानी से भूल सकते हो जहाँ पे इस सीरियस को ड्रामा फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी तो मेरी माने तो इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखेगा फिल्म में जो सोशल मैसेज डिलीवर किया हुआ है फिल्म की जो स्क्रिप्ट है जो स्टोरी आइडिया है जिस तरह से डायरेक्शन देखने को मिलता है स्टार कास्ट की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें फिल्म की हाईलाइट है जो फिल्म को बेहतर बनाती है फिल्म को अच्छी तरह से मेकिंग में काम किया हुआ है फिल्म को बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है तो इस वजह से इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज किया गया था तमिल कनाडा वर्जन में पंद्रह जुलाई दो हजार बाईस को जहां पे थिएटर में फिल्म किया था जितना चौदह सौ वोट हासिल किए हुए थे जिसमें आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से तो एक बढ़िया हेवी रेटिंग हासिल करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था धीरे धीरे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म एक हिट का टैग ले गई थी जहां पर फिल्म तमिल वर्जन में खास करके काफी बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी सराहा हुआ था तेलुगु और कन्नड़ा वर्जन में भी फिल्म ठीक ठाक चल गई थी लेकिन तमिल ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी भरपूर प्यार दिया हुआ था फिल्म का जो सोशल मैसेज था जो परफॉर्मेंसिस थी कहानी डिरेक्शन सभी चीजें उनको पसंद आई हुई थी जिसके चलते आई एम डी वी पे करीबन आठ की रेटिंग हासिल हुई और लोगों को यह फिल्म इतनी पसंद आई जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई उसके बाद फिल्म को ओ टी के ऊपर प्रीमियर करवाया गया और इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स वो थिएट्रिकल थे, रिलीज के पहले ही बेच दिए गए थे जहाँ पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो कलिंगर टीवी ने खरीदे हुए थे ओ टी राइट्स सोनी लिव वालों ने खरीदे हुए थे तो फिलहाल में ये फिल्म आपको सोनी लिव के एप्लीकेशन के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन गर्गी के नाम से तमिल तेलुगू कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ अगर आपको ये फिल्म ओ टी देखनी है तो सोनी लिव के एप्लीकेशन के ऊपर ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पर ये फिल्म आपको गर्गी के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नड तमिल तेलुगु कन्नडा और हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी जहाँ पे तमिल मेन लैंग्वेज है बाकी सभी वर्जन में डब किया हुआ है तो इस फिल्म को आप जरूर हिंदी में भी ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे जहाँ पे इस फिल्म के सेटेलाइट राइट से वो कालिंगर टीवी ने खरीदे हुए हैं तमिल वर्जन के लिए तो थिएट्रिकल रिलीज के करीबन पाँच छः महीने के बाद इस फिल्म को जरूर प्रीमियर करवाया जाएगा कालिंगर टीवी के ऊपर जहाँ पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में आप इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से गर्गी फिल्म को आप ओ और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर सकते हो तो मेरी माँ ने अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखेगा सोनी लियो के ऊपर अवेलेबल है हिंदी वर्जन फिल्म की डबिंग अच्छी है इस फिल्म को जरूर देखा जा सकता है तो आप इस फिल्म को जरूर देखेगा और फिल्म में जो सोशल मैसेज है उसको आप बारीकी डिटेल का साथ दिखाया हुआ इन सभी चीजों को तो वो सभी चीजें आपको जरूर हिट करेगी तो बस गाइज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दिए फिल्म का प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन